हेलो फ्रेंड्स, यह जस्ट क्रैकेट की न्यू सीरीज और इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स यानी कि टीए रूल्स, और यह उस सीरीज का पार्ट वन। तो इस पार्ट वन के अंदर हम टीए रूल्स ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, और वो ब्रीफ हमें कहाँ से मिलेगा? इस ओएम से। और ये ओएम है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का, जो कि 13 जुलाई 2017 को आया था। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि 7 CPC इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद टीए रूल्स के अंदर क्या क्या रिवीजन हुआ है, ये ओएम उस पूरे रिवीजन को कवर करता है। ये ओएम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर। तो आई विल रिकमेंड कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो पीडीएफ आपके पास हो, ताकि इसके अंदर जितनी भी चीजें मैं बताऊं उन चीजों को आप ओएम के अंदर ही मार्क कर लो। सो लेट अस स्टार्ट। तो इस ओएम का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करेंगे यहां पे, भाई किसी का टीएडीए इंटाइटलमेंट कितना है वो किससे पता चलेगा? उसके पे लेवल से पता चलेगा। और ये पे लेवल कहाँ लिखा हुआ है? ये पे लेवल लिखा हुआ है सीसीएस रिवाइज पे रूल्स 2016 के अंदर। हम बहुत ही माइन्यूटली इस ओएम को पढ़ने वाले हैं, ताकि इसके अंदर से कोई सा भी क्वेश्चन अगर बनता हो तो वो आपसे छूटे नहीं। तो एक क्वेश्चन इसके अंदर ये भी हो सकता है कि टीएडीए इंटाइटलमेंट के लिए जो पे लेवल डिटरमिन होगा, या टीएडीए इंटाइटलमेंट के लिए जो पे लेवल हमें देखना है, वो पे लेवल कहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है? तो दैट पे लेवल इज इंडिकेटेड इन सीसीएस रिवाइज पे रूल्स। और ये रूल्स कौन से ईयर में आए थे? ये रूल्स आए थे ईयर 2016 के अंदर। तो ये सीसीएस रिवाइज पे रूल्स आए 2016 में, क्योंकि 2016 में लगा था 7 CPC, 7 सेंट्रल पे कमीशन। और जब भी पे कमीशन लगता है तो हमारी जो पे का स्ट्रक्चर है वो रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो 6 पे कमीशन के अंदर जो भी पे का स्ट्रक्चर चल रहा था वो 7 पे कमीशन में आके वो रिवाइज हो गया। और कौन से रूल्स के अंडर उसको रिवाइज किया गया, कौन से रूल्स नोटिफाई किए गए 7 CPC के आने के बाद, उन रूल्स का नाम है सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2016। यहीं के यहीं आप एक डेट याद कर लो, और वो डेट है 1 जनवरी 2016। यानी कि इस दिन से ये वाले जो रूल्स हैं, ये रूल्स किस दिन से फोर्स में आए? 1/1/2016 से फोर्स में आए। यहीं पर एक डेट और याद कर सकते हो, तो ये भी जरूर याद कर लो कि सीसीएस रिवाइज्ड पे रूल्स किस दिन नोटिफाई हुए थे। तो ये नोटिफाई हुए थे 25 जुलाई 2016 को, लेकिन ये फोर्स में किस दिन से आए थे ये याद रखना है कि फोर्स में आए थे 1 जनवरी 2016 को। तो इन सीसीएस रिवाइज्ड पे रूल्स के अंदर एक पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इसी पे मैट्रिक्स के अंदर है ये लेवल, जो पे लेवल की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, द पे लेवल फॉर डिटरमाइनिंग टीएडीए एंटाइटलमेंट। तो वो पे लेवल है ये वाला 1 से लेके ये यहाँ पर है 18 तक, और लेवल के नीचे जो ये लिखा हुआ है दीज आर सेल्स, सेल 6 के बाद यहाँ पे नीचे 40 तक है। तो अब वापस आ जाते हैं अपने टीए रूल्स पर। तो इस ओएम का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि द टर्म पे इन द लेवल, इन रूल्स के अंदर पे इन द लेवल का मतलब क्या है? कि जो पे मैट्रिक्स के अंदर किसी अप्रोप्रिएट लेवल में किसी भी सेल पर जो बेसिक पे है वो है इसका मतलब पे इन द लेवल। और ये डिफाइंड कहां पर है? एज डिफाइंड इन रूल 3(8) ऑफ सीसीएस रिवाइज्ड पे रूल 2016। ये जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए कि भाई इस रूल के अंदर लिखा हुआ क्या है, तो वो रूल मैंने यहाँ पे पेस्ट ही कर दिया है, सीसीएस रिवाइज्ड पे रूल्स 2016 का रूल 3(8) डिफाइन करता है पे इन द लेवल। इसका मतलब है पे ड्रॉन इन द अप्रोप्रिएट सेल ऑफ द लेवल, कि लेवल के किसी पर्टिकुलर सेल में, कोई पर्सन अगर सपोज लेवल 10 पे है और उसके सेल 3 पर है, तो दैट मीन्स पे इन द लेवल मीन करेगा इस पे को। इसके अंदर एनपीए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो कि मेडिकल ऑफिसर्स को मिलता है, या फिर मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी, या फिर किसी और टाइप की स्पेशल पे इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स पे मीन्स बेसिक पे एंड इट डज नॉट इंक्लूड नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, और इसके अंदर मिलिट्री सर्विस पे ये भी इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे इंक्लूड होगी। ये कहता है पॉइंट नंबर 3। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका मार्क कर लेते हैं कि जो टीए इंटाइटलमेंट्स है, जो कि इस ओएम के थ्रू 7 CPC के इंप्लीमेंटेशन के बाद रिवाइज की गई हैं, उस रिवीजन के अंदर अगर सपोज किसी इंडिविजुअल ग्रुप या क्लास ऑफ एम्प्लॉयज का इंटाइटलमेंट लोअर हो जाता है, यानी 6 CPC में उनको बेटर इंटाइटलमेंट मिल रहा था और 7 CPC में उनका इंटाइटलमेंट
लोअर हो गया है, तो उनको वो लोअर एंटाइटलमेंट ना मिलके 6 CPC वाला हायर एंटाइटलमेंट ही मिलेगा, जब तक वो उस हायर एंटाइटलमेंट के लिए नॉर्मल कोर्स में एलिजिबल नहीं हो जाते। गॉट इट? एग्जाम्पल के लिए सपोज ये पे बैंड 3 के अंदर कोई एम्प्लॉय 5400 ग्रेड पेपर था, तो उसको 7 CPC में कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल मिलेगा? उसको लेवल 10 मिलेगा, है ना। ये एम्प्लॉय पहले 5400 में था, सपोज शिप में जा रहा था, ये शिप में 5400 ग्रेड पे वाले को फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्लास में से हाईएस्ट क्लास मिलती थी 6 CPC में। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ये कोई पर्टिकुलर फैक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो 6 CPC के अंदर सपोज 5400 ग्रेड पे वाले पर्सन को शिप के अंदर हाईएस्ट क्लास मिल रही थी, बट कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल उसका 10 है, तो 7 CPC में जब ये पर्सन आया लेवल 10 पे, तो इनको शिप की सेकेंड क्लास के लिए एंटाइटल कर दिया गया, और शिप की फर्स्ट क्लास के लिए एंटाइटल कर दिया गया 11th लेवल वाले को। तो इनकी एंटाइटलमेंट को फर्स्ट से सेकेंड पर एक तरीके से लोअर किया गया है, बट इस रूल के अंडर उनको शिप की फर्स्ट क्लास के लिए ही इंटाइटलमेंट रहेगा जब तक कि वो पर्सन लेवल 11 पर नहीं आ जाता। यानी कि इनको शिप की सेकेंड क्लास में या फिर थर्ड क्लास में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ही विल बी इंटाइटल टू लेवल सॉरी फर्स्ट क्लास ओल फर्स्ट क्लास ओनली, ठीक है। इसको इंटाइटलमेंट को लोअर नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से, चाहे मोड ऑफ ट्रेवल हो, चाहे क्लास ऑफ अकोमोडेशन हो, तो उनको हायर जो इंटाइटलमेंट है वो ही मिलता रहेगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर एक क्रूशियल डेट दी हुई है, और वो क्रूशियल डेट है 1 जुलाई 2017। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस डेट पर या इस डेट के बाद की गई जर्नी, उनके जो क्लेम्स हैं वो इस ओएम से गवर्न होंगे, यानी जो 13 जुलाई का ओएम आया जिसकी बात हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ओएम कौन सी जर्नी इसके लिए एप्लीकेबल है? जो जर्नी 1/7/2017 से शुरू होके और इसके आफ्टरवर्ड्स की गई है, उनका क्लेम जो है वो इस पर्टिकुलर ओएम से गवर्न होगा। और इससे पहले की जो भी जर्नीज है, सपोज आपकी जर्नी जो है वो 30 जून 2017 को खत्म हो गई है, तो उसका जो आप क्लेम करोगे, उसका या जो क्लेम हुआ होगा, वो क्लेम 23/9/2008 के ओएम से गवर्न होगा। और आप देख सकते हो कि ये जो ओएम है वो किससे रिलेटेड है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 CPC। और जो लेटेस्ट ओएम है 7 CPC के बाद जो रिवीजन हुआ है टीए रेट्स के अंदर, वो लेटेस्ट ओएम हम इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं, जो कि 13 जुलाई 2017 का। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस क्रूशियल डेट कि कौन सी डेट से ये पर्टिकुलर ओएम या जो रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस हुआ है 7 CPC के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, तो वो कौन सी डेट के क्लेम्स के बाद, कौन सी डेट की जर्नी के क्लेम्स पे इफेक्टिव होगा, तो वो है 1 जुलाई 2017। इसमें एक प्रोबेबल एमसीक्यू बन सकता है इस पर्टिकुलर डेट पर, सो यू मस्ट मेमोराइज दिस डेट। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ओएम, और इसके बाद आएगा एनेक्सर, जिसके अंदर की हम सारे एंटाइटलमेंट्स को पढ़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर लास्ट पार्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये कि दिस ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये हम पढ़ चुके हैं कि दिस इज अ क्रूशियल डेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ओएम, कि इस ओएम के अंदर जो भी रिवाइज एंटाइटलमेंट है वो सब 1 जुलाई 2017 के बाद परफॉर्म की हुई जर्नी पर एप्लीकेबल होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये जो ऑर्डर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हैं या फिर जो रेलवे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके लिए सेपरेट ऑर्डर्स निकलेंगे। दैट मीन्स उनके एंटाइटलमेंट इस पर्टिकुलर ऑर्डर में दी हुई एंटाइटलमेंट से डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ कि इन दोनों ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने आर्म्ड फोर्सेज के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अपने रेलवे एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग ओएम निकाले हुए हैं। लेट अस सी, तो ये रहे वो सेपरेट ऑर्डर्स। पहला ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जो कि आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए निकाला गया है, और इसमें देख सकते हो कि सिमिलर ओएम है ये भी, मॉडिफिकेशन है इंटाइटलमेंट्स का, टीए इंटाइटलमेंट्स का आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7 CPC। और इसके अंदर ये भी देख सकते हो कि इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के उसी ओएम का मेंशन है जो ओएम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यानी उसी की लाइंस पर ये ओएम भी निकाला गया है। सेकेंड ओएम है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, और ये रेलवे एम्प्लॉयज के लिए, और ये भी सिमिलर ओएम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7 CPC के बाद जो भी टीए अलाउंस रूल्स चेंज हुए हैं या जो भी इंटाइटलमेंट्स चेंज हुए हैं वो इस ओएम के अंदर होगा, ठीक है। बट इनके लिए सेपरेट ऑर्डर्स इसलिए हैं क्योंकि इन पर्टिकुलर पर्सनल और ये पर्टिकुलर रेलवे एम्प्लॉयज के लिए हो सकता है कि कुछ इंटाइटलमेंट्स डिफरेंट हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए यही ऑर्डर्स इशू होंगे, बट विद इन कंसल्टेशन विद सीएजी, ठीक है, सीएजी ऑफ इंडिया।
अब इस ओएम का जो मेन पोर्शन था उसका कंटेंट तो कवर हो गया है, अब हम पढ़ेंगे इसकी अनेक्सर्स के अंदर जो कि डिफरेंट डिफरेंट एंटाइटलमेंट्स है। यह है अनेक्सर इस ओएम का और इसके अंदर सारे एंटाइटलमेंट्स दिए हुए हैं। पहला एंटाइटलमेंट है एंटाइटलमेंट फॉर जर्नी ऑन टूर और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पर या फिर टूर पर जाने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए क्या क्या एंटाइटलमेंट्स है व्हेन दे ट्रेवल विद इन द कंट्री। देखो अब ये पोर्शन है सारा लर्निंग का, ठीक है, और लर्न करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और चीजों का मीनिंग पता होना चाहिए ताकि रट्टाफिकेशन मिनिमल हो जाए। इस टेबल के अंदर देखो ट्रैवल एंटाइटलमेंट दी हुई है कंबाइन करके, एयर की भी है और ट्रेन की भी है फॉर डिफरेंट पे लेवल्स इन पे मैट्रिक्स, ठीक है। आप कौन से के लिए क्या एंटाइटलमेंट है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि क्या हम इन ट्रैवल एंटाइटलमेंट से फेमिलियर हैं। तो बाय एयर जो एंटाइटलमेंट्स है वो है या तो बिजनेस क्लास या क्लब क्लास यानी जो हाइएस्ट क्लास होती है या फिर है इकोनॉमी क्लास, तो इन दोनों क्लासेस से हम लोग फेमिलियर हैं। नेक्स्ट देखो लेवल 5 और बिलो के लिए कौन सी क्लास की एंटाइटलमेंट है, बाय ट्रेन, ओनली बाय ट्रेन, क्योंकि 5 एंड बिलो के लिए बाय एयर एंटाइटलमेंट नहीं है। तो बाय ट्रेन इनके अंदर एंटाइटलमेंट है फर्स्ट क्लास, ठीक है, AC 1, AC 2, AC 3, AC चेयर कार, इन सबसे हम लोग फेमिलियर है। बट फर्स्ट क्लास इज समथिंग जिसको मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा यहाँ पे लिखा हुआ, तो फर्स्ट क्लास के बारे में सर्च किया मैंने, तो दीज क्लासेस आर नॉन एसी कोचेस बाय इंडियन रेलवेज और लेट 70s या फिर अर्ली 80s में ये चलती थी क्लास, और आज की डेट में इट इज फेजिंग आउट स्लोली, या फिर एक जगह पर ये भी लिखा था दिस क्लास हैज बीन फेज्ड आउट कम्प्लीटली, हाउएवर हेरिटेज ट्रेन स्टिल हैव दिस क्लास, यानी ये क्लास पहले चलती थी अब नहीं चलती है। एनीवे जो फर्स्ट क्लास है ये पहले ट्रेन में हुआ करती थी जो कि सिमिलर है फर्स्ट एसी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। सो अब लर्न करना शुरू करते हैं इन एंटाइटलमेंट्स को। पहला एंटाइटलमेंट लर्न करने वाले हैं एयर ट्रेवल का एंटाइटलमेंट, और इसके अंदर देखो सिर्फ दो बाइफर्केशन है, या तो इकोनॉमी क्लास है या फिर हाईएस्ट क्लास है जो कि बिजनेस या फिर क्लब क्लास है, ठीक है। ये एंटाइटलमेंट हम किस चीज के लिए लर्न कर रहे हैं, विद इन द कंट्री जो एंटाइटलमेंट है, ठीक है। तो विद इन द कंट्री अगर ट्रेवल करना है तो उसके अंदर हाइएस्ट एंटाइटलमेंट किसका है, लेवल 14 एंड अबव का। इसको हर तरीके से देख लो, लेवल 14 जो है उसका ग्रेड पे होता है 10,000 6 CPC के अकॉर्डिंग, और 7 CPC में है वो है लेवल 14, और ये किन डेजिग्नेशंस का होता है, ये होता है जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव। तो यानी JS एंड अबव लेवल के जो ऑफिसर्स हैं दे कैन ट्रेवल इन द हाईएस्ट क्लास बाय एयर व्हेन दे आर ट्रेवलिंग विद इन द कंट्री, फाइन। और इसके अलावा इससे पहले पहले है सारा का सारा इकोनॉमी क्लास। देखो लेवल 5 एंड बिलो, लेवल 5 एंड बिलो इनको तो एयर का एंटाइटलमेंट है ही नहीं। इसको भी हर तरीके से देख लो कि जो पे बैंड 1 है 6 CPC का उनको एयर का एंटाइटलमेंट नहीं है कैसे भी। पे बैंड 2 वाले से हमारा एयर का एंटाइटलमेंट शुरू होता है, और उसके अंदर ग्रेड पे कौन सा होता है 4200 4600। अपनी डेजिग्नेशन से इसको अगर मैच करोगे तो ज्यादा लर्न करने में ईजी होगा, ठीक है। अब CSS की मैं बात करूँ तो ASO सेक्शन ऑफिसर एंड देन अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी डायरेक्टर, और जो ये लेवल 13A होता है, लेवल 13A के सारे एंटाइटलमेंट लेवल 13 के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। वो 14 पर नहीं जाएगा, लेवल 13A को 13 में ही काउंट करोगे, तो इसको मैं यहाँ पर 12 13 एंड 13A भी इसी के अंदर आएगा, फाइन। तो पे बैंड 2 से शुरू होती है एयर ट्रेवल की एंटाइटलमेंट इकोनॉमी क्लास के लिए जो कि डायरेक्टर की डेजिग्नेशन तक होती है, ठीक है। और JS एंड अबव के लिए हाईएस्ट एंटाइटलमेंट ऑफ एयर ट्रेवल विद इन द कंट्री यानी लेवल 14 एंड अबव, ठीक है। तो आपको ग्रेड पे से भी पता होना चाहिए, डेजिग्नेशन से भी पता होना चाहिए और लेवल से भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट लर्न करते हैं ट्रेन ट्रेवल का एंटाइटलमेंट। ट्रेन ट्रेवल के अंदर 3 तरीके का एंटाइटलमेंट है, या तो AC 1 है या AC 2 है या AC 3 है, ठीक है। AC 3 जो है वो लोएस्ट है, तो वो लोएस्ट पेमेंट के पास ही जाएगा, और लोएस्ट पेमेंट कौन सा होता है 6 CPC के अंदर पेमेंट 1। जो 6 CPC का पेमेंट 1 है वो 7 CPC का लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक कवर करता है, तो दिस इज द लोएस्ट पेमेंट और लोएस्ट लेवल्स, तो इसके अंदर AC 3 की एंटाइटलमेंट है, फाइन। अब देखते हैं AC 1 की एंटाइटलमेंट, यानी ट्रेन के अंदर हाईएस्ट एंटाइटलमेंट कहाँ से शुरू होती है। देखो हमने पीछे पढ़ा कि एयर की हाईएस्ट एंटाइटलमेंट शुरू होती है लेवल 14 एंड अबव से, यानी JS एंड अबव से, बट
ट्रेन की हाईएस्ट एंटाइटलमेंट स्टार्ट हो जाती है डीएस एंड अबव पे, यानी कि 6 CPC का 7600 ग्रेड पे, 7 CPC का लेवल 12, लेवल 12, 13, 14 एंड अबव, यानी कि आप इनको कंबाइन करके लर्न कर सकते हो कि डीएस एंड अबव के लिए ट्रेन की हाईएस्ट एंटाइटलमेंट है। ठीक है, तो मिडल में कौन हुए, लेवल 6 टू लेवल 11, लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड पे से लेवल 11 तक यानी यूएस तक, यूएस ग्रेड तक। इसको आप अपनी करंट जो भी पोस्ट होल्ड कर रहे हो उससे कंपेयर करके पढ़ोगे तो और जल्दी लर्न हो जाएगा। सपोज आप करंटली पोस्ट होल्ड कर रहे हो एएसओ की, जो कि 4600 ग्रेड पे पर है, तो आपको क्या एंटाइटलमेंट है आज की डेट में, आज की डेट में आपको AC2 का एंटाइटलमेंट है ना। नेक्स्ट प्रमोशन आपका किसमें होगा, सेक्शन ऑफिसर में, फिर आफ्टर 4 ईयर्स आपकी पे फिक्स होगी 5400 में, तब तक भी आपका एंटाइटलमेंट एसी टीयर 2 का ही रहेगा। इवन ऑन द नेक्स्ट प्रमोशन जब आप यूएस ग्रेड ले लोगे यानी कि लेवल 11 ले लोगे, तब भी आपका जो इंटाइटलमेंट है वो एसी टीयर 2 का ही रहेगा, यानी लेवल 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक आपका जो इंटाइटलमेंट है वो एसी टीयर 2 का है। और ट्रेन का हाईएस्ट इंटाइटलमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डीएस एंड अबव से, जो कि है 7600 ग्रेड पे या फिर लेवल 12 एंड अबव। नेक्स्ट ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स है प्रीमियम, प्रीमियम तत्काल, सुविधा, शताब्दी, राजधानी या दुरंतो ट्रेन की। ये जो है ये फास्ट ट्रेन होती हैं, एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं। पिछली स्लाइड में जो हमने ट्रेन एंटाइटलमेंट पढ़ी है ये वाली एंटाइटलमेंट उससे डिटो सेम है। ठीक है, एसी वन क्लास यानी कि जो हाईएस्ट क्लास है इन ट्रेन की भी, शताब्दी राजधानी ट्रेन की भी जो हाईएस्ट क्लास है उनके लिए कौन एंटाइटल्ड है, डीएस एंड अबव ही एंटाइटलमेंट है। अगर आपके पास इसका प्रिंट आउट है जिसके साथ आप पढ़ रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि उसके अंदर ये लिख लो डीएस एंड अबव। डेजिग्नेशन वाइज लिखते हैं तो ज्यादा रिटेन कर पाते हो, लेवल 12 एंड अबव से एकदम से आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि अच्छा डीएस एंड अबव को हाईएस्ट एंटाइटलमेंट है ट्रेन के अंदर। देन लेवल 6 टू 11 के अंदर यानी कि यूएस एंड बिलो पेमेंट 2 के अंदर तक वो है एसी टीयर 2 के लिए एंटाइटल्ड, और लेवल 5 एंड बिलो के लिए एसी 3 है। तो 5 एंड बिलो के साथ आप लिख सकते हो कि पेमेंट 1 वाले जो है वो एसी 3 टीयर के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यानी कि एएसओ लेवल से अंडर सेक्रेटरी लेवल, और 4200 भी इसके अंदर इंक्लूड कर लो, और अंडर सेक्रेटरी लेवल तक एसी 2 के लिए एंटाइटलमेंट है। यानी कि ये सारी चीजें जो है वो सेम है, सिर्फ यहाँ पर एक ये डिफरेंस है कि भाई यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्लास भी लिखा हुआ है जो कि शताब्दी के अंदर होता है। तो अगेन जो भी हाईएस्ट क्लास है ट्रेन के अंदर वो डीएस एंड अबव भी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव क्लास है चाहे वो एसी वन क्लास है। एनीवे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है नोट करने के लिए कि जब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी ऑफिशियल टूर पे या ट्रेनिंग पे होगा तो क्या उनको शताब्दी राजधानी या दुरंतो ट्रेन में लगने वाला डायनामिक या फिर फ्लेक्सी फेयर रिम्बर्सिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या डायनामिक और फ्लेक्सी फेयर रिम्बर्सिबल होता है या नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जब ऑफिशियल टूर या फिर ट्रेनिंग पर जाते हैं तो यस, डायनामिक या फिर फ्लेक्सी फेयर इज अलाउड। ठीक है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू अलाउ द रिम्बर्समेंट ऑफ डायनामिक या फिर फ्लेक्सी फेयर। इसके अलावा क्या तत्काल सेवा चार्जेस भी रिम्बर्सिबल होते हैं, तो यस, तत्काल सेवा चार्जेस आर ऑल्सो रिम्बर्सिबल। ठीक है, दे विल रिमेन कंटिन्यू टू बी अलाउड। इसके बाद अब कुछ चीजें हैं जो कि बाद में क्लैरिफिकेशन इश्यू हुए थे उनको पढ़ते हैं। अब देखो ये डीओपीटी का ओएम है जो कि 19 सितंबर 2017 में आया है, दैट मींस अभी जो हम वीडियो के अंदर ओएम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का 13 जुलाई 2017 का, ये ओएम उसके बाद आया है कुछ क्लैरिफिकेशन देने के लिए, जिसमें से कि पहला क्लैरिफिकेशन है ये कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि भाई जो एयर ट्रैवल होता है वो उसके अंदर दो ही क्लासेस है बस, या तो बिजनेस क्लास है जो कि हाईएस्ट क्लास होगी और उसके लिए कौन एंटाइटल्ड है, जेएस लेवल एंड अबव ऑफिसर्स है ना, यानी कि लेवल 14 एंड अबव वो एंटाइटल्ड है एयर ट्रैवल में हाईएस्ट क्लास के लिए, और बाकी के जो लेवल्स हो गए इकोनॉमी क्लास के लिए एंटाइटल्ड हैं। कौन से लेवल्स, लेवल 6 से पढ़ा था हमने, लेवल 6 टू लेवल 13 या फिर 13A। ठीक है, अब ये जो क्लैरिफिकेशन आई है वो ये आई है कि लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 8
यानी 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे और 4800 ग्रेड पे। इन तीनों लेवल्स के अंदर जो एयर ट्रेवल है इकोनॉमी क्लास का, वो एडमिसिबल नहीं होगा एलटीसी के पर्पस के लिए। ठीक है, अगर लेवल 7 वाला बंदा, लेवल 6 वाला बंदा या फिर लेवल 8 वाला पर्सन कोई एलटीसी क्लेम एलटीसी पे जाते हैं, तो वो तब एयर ट्रेवल के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। वो एयर ट्रेवल के लिए कब एंटाइटल्ड है? जब वो ऑफिशियल टूर पर जा रहे हैं या फिर ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। ठीक, और ये जो क्लैरिफिकेशन है ये लिखी है यहाँ पर कि एयर ट्रेवल एंटाइटलमेंट फॉर 6 to 8। ठीक है, दिस इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ टीए ओनली एंड नॉट फॉर एलटीसी। यानी लेवल 6 to 8 वालों को एलटीसी के लिए एयर ट्रेवल का एंटाइटलमेंट नहीं है, तो एलटीसी के लिए 6 to 8 को क्या एंटाइटलमेंट होगा? AC2 का। अभी पीछे पढ़ा है हमने कि वो ट्रेन के लिए तो एंटाइटल्ड है ही है। ठीक है, तो वो किसी भी ट्रेन में जा सकते हैं, AC Tier 2 में जा सकते हैं, बट दे कैन नॉट ट्रेवल बाय एयर इफ दे आर अवेलिंग एलटीसी। फाइन, मतलब ट्रैवल तो कर सकते हैं ऑफकोर्स, बट वो एलटीसी के लिए रिमबर्सिबल नहीं होगा। अब इसी ओएम के अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्लैरिफिकेशन है वो ये है कि फॉर द पर्पस ऑफ एलटीसी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो कि एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड है, हमने पढ़ा पीछे AC1, AC2 और AC3, इन तीनों के अंदर हमने देखा कि भाई ये लेवल 1 to 5 के लिए, लेवल 1 to 5 वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो AC3 के लिए एलिजिबल हैं, AC2 के अंदर लेवल 6 to लेवल 11 तक है एंटाइटल्ड, और लेवल 12 एंड अबव जो है वो AC1 के लिए एंटाइटल्ड है। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ये है कि फॉर द पर्पस ऑफ एलटीसी भी जो प्रीमियम ट्रेन्स है, प्रीमियम तत्काल ट्रेन्स या सुविधा ट्रेन्स के जो ये AC कोचेज होते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, उनके लिए ये सारे ऑफिसर्स जो है वो एंटाइटल्ड है। यानी कि इट इज अलाउड, इट इज नाउ अलाउड ऑन एलटीसी कि प्रीमियम ट्रेन से भी अगर आप एलटीसी पे जाना चाहो, किसी राजधानी ट्रेन में भी जाना चाहो, तो आप जा सकते हो। फाइन, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्लैरिफिकेशन है वो यहाँ पर कि अब जो फ्लेक्सी फेयर या फिर डायनामिक फेयर लगेगा, क्या वो एलटीसी पे एडमिसिबल होगा या नहीं होगा? ठीक है, ऑफिशियल टूर और ट्रेनिंग पे तो होगा एडमिसिबल, ये तो हमने पीछे पढ़ लिया। अभी हमें देखना है कि वो एलटीसी पे भी एडमिसिबल है या नहीं है। तो यस, इट इज एडमिसिबल राजधानी शताब्दी या दुरंतो ट्रेन्स के अंदर जो फ्लेक्सी फेयर या फिर डायनामिक फेयर लगता है, इट शैल बी एडमिसिबल फॉर द जर्नी परफॉर्म बाय दीज ट्रेन्स ऑन एलटीसी। अगर एलटीसी पे आप इन्हीं ट्रेन से एक्चुअली में जर्नी परफॉर्म करते हो तब तो ये एडमिसिबल होगा। लेकिन अगर नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट बाय एयर ट्रेवल करते हैं, ठीक है, यानी कि वही सपोज लेवल 7 पर है कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल और वो बाय एयर ट्रेवल करता है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रेवल बाय एयर ऑन एलटीसी, बट स्टिल इफ ही इज ट्रेवलिंग बाय एयर ऑन फॉर द पर्पस ऑफ एलटीसी, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको फ्लेक्सी फेयर एडमिसिबल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिस डायनेमिक फेयर कंपोनेंट शैल नॉट बी एडमिसिबल। फाइन, तो तत्काल चार्जेस के बारे में क्या है यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। रिम्बर्समेंट ऑफ तत्काल चार्जेस और प्रीमियम तत्काल चार्जेस शैल ऑल्सो बी एडमिसिबल। यानी कि अगर आपको ट्रेन की टिकट नहीं मिली है और आपने तत्काल में टिकट कराई है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं या फिर प्रीमियम तत्काल के चार्जेस भी एक्स्ट्रा लगते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपने टिकट कराई है फॉर द पर्पस ऑफ एलटीसी, देन इट विल बी रिम्बर्सिबल टू यू। फाइन, आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट बचा होगा जो कि अब क्लैरिफाई नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, तो वापस आते हैं इसी ओएम पे। जो अभी हमने ऊपर रिवाइज एंटाइटलमेंट्स पढ़े हैं बाय एयर एंड बाय ट्रेन, दे आर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि अगर सपोज कोई दो प्लेसेस, प्लेस ए एंड प्लेस बी, दे आर नॉट कनेक्टेड बाय रेल, तब क्या एंटाइटलमेंट रहेंगे? तो जो भी AC 2 एंड अबव के लिए एंटाइटल्ड थे उनको AC बस का एंटाइटलमेंट मिलेगा, और जो AC 3 के लिए एंटाइटल्ड थे यानी बाकी जो बचे हुए एम्प्लॉयज हो गए, उनको डीलक्स या फिर ऑर्डिनरी बस का एंटाइटलमेंट है। यानी इस पॉइंट में इन्होंने बस का एंटाइटलमेंट बता दिया है कि AC बस के लिए कौन एंटाइटल्ड है, लेवल 6 एंड अबव। ठीक है, यानी 4200 ग्रेड पे एंड अबव। और डीलक्स या फिर ऑर्डिनरी बस के लिए कौन एंटाइटल्ड है, वो है 1 to 5 या लेवल 5 एंड बिलो, पेमेंट 1 वाले। फाइन, ये एसी बस का यानी बस का एंटाइटलमेंट हो गया इस वाले पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट देखो,
इसमें है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर ट्रेन से कनेक्टेड है बट यू आर नॉट ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, और आप उनके उन पॉइंट्स के बीच में रोड ट्रेवल कर रहे हो जो पॉइंट्स ट्रेन से कनेक्टेड है, तो आप किसी भी मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हो। अगर आप ट्रेन से नहीं जाना चाह रहे तो भाई किसी दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाओ, दैट इज ऑल्सो अलाउड। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप जाओगे उसका टोटल फेयर आपके एंटाइटल्ड एंटाइटल्ड क्लास के ट्रेन फेयर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर आपको ACT या 2 का एंटाइटलमेंट है किसी पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए और आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हो, तो ACT या 2 से ज्यादा खर्चा नहीं करोगे, ठीक है? उसके अंदर अंदर रहना चाहिए, डज नॉट एक्सीड द ट्रेन फेयर बाय द एंटाइटल क्लास। नेक्स्ट पॉइंट है माइलेज पॉइंट से रिलेटेड। जो एयरलाइंस होती हैं वो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम के अंदर कुछ माइलेज पॉइंट्स प्रोवाइड करती हैं, और इन माइलेज पॉइंट्स को यूज किया जा सकता है फ्री फ्लाइट्स के लिए, फ्री अपग्रेडेशन के लिए, फ्लाइट्स हो गया या अपग्रेडेशन हो गया या फिर कुछ अदर बेनिफिट्स हो गए, ठीक है? तो भाई देखो, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और आपने कोई टिकट परचेज करी है ऑफिशियल ट्रैवल के लिए, और आपने ऑफिशियल ट्रैवल किया और ऑफिशियल ट्रैवल के लिए टिकट परचेज करने पर आपको कुछ माइलेज पॉइंट्स मिल गए हैं, तो वो माइलेज पॉइंट जो है वो डिपार्टमेंट किसी दूसरे ऑफिशियल ट्रैवल पर यूज करेगा। यानी कि ये जो माइलेज पॉइंट्स अर्न हो गए उस उन माइलेज पॉइंट से सपोज आपको फ्री फ्लाइट मिलती है, तो वो फ्री फ्लाइट आप नहीं यूटिलाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने जो टिकट परचेज करी थी वो ऑफिशियल ट्रैवल के लिए की थी, तो दैट मीन्स वो जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट को मिलना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको ऑफिशियल ट्रैवल कराया है, राइट? तो एनी यूसेज ऑफ दीज माइलेज पॉइंट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेट ट्रैवल विल अट्रैक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन। यानी वो माइलेज पॉइंट्स आप अपने पर्सनल प्राइवेट ट्रैवल के लिए यूज नहीं करेंगे। दिस इज टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स आउट ऑफ ऑफिशियल ट्रैवल जो कि गवर्नमेंट ने फंड करा है, आपका ऑफिशियल ट्रैवल किसने फंड किया? गवर्नमेंट ने फंड किया, तो उसका जो बेनिफिट है वो भी गवर्नमेंट को ही मिलेगा। यानी गवर्नमेंट जो है वो नेक्स्ट जो भी ऑफिशियल ट्रैवल के लिए बुक करनी होगी टिकट, तो वो माइलेज पॉइंट्स उनके लिए यूज होगा, ठीक है? आप उसको प्राइवेट अपने ट्रैवल के लिए नहीं यूज कर सकते, फाइन? इसके बाद है लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन द एंटाइटल्ड क्लास। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर सपोज ACT Tier 2 के लिए एंटाइटल्ड है और वो क्लास नॉन अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट उससे बिलो एंटाइटल्ड क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है? उससे हायर में नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से कि भाई ACT Tier 2 अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैं ACT Tier 1 में चले गया, फाइन? तो आप ACT Tier 2 के लिए एंटाइटल्ड हो और उसके अंदर अगर टिकट्स नहीं बची है तो ऑफ कोर्स आप AC 3 के अंदर ट्रैवल करेंगे, ठीक है? और वही आपको रिम्बर्स होगा। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रैवल एंटाइटलमेंट जो कि बाय एयर ही होगा। अब इंटरनेशनली अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके अंदर 3 तरीके की क्लास बताई है, पहला फर्स्ट क्लास, देन बिजनेस क्लास या क्लब क्लास और इकोनॉमी क्लास। अभी हमने जब पीछे देखा था कि विद इन द कंट्री ट्रैवल करना है तो उसके अंदर सिर्फ 2 क्लासेस का एंटाइटलमेंट था, 2 तरीके की बाइफरकेशन थी, या तो इकोनॉमी क्लास थी या फिर बिजनेस क्लास थी, है ना? तो यहाँ तक एंटाइटलमेंट सेम है इंटरनेशनली ट्रैवल करने में भी, सिर्फ एक इसके अंदर फर्स्ट क्लास ऐड किया है और फर्स्ट क्लास के लिए एंटाइटलमेंट दिया है ओनली लेवल 17 और लेवल 18 को। यानी इसके अंदर आ जाते हैं आपके चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, या फिर लेवल 17 पे होते हैं आपके चीफ सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं लेवल 17 और लेवल 18 के अंदर, दे आर एंटाइटल टू ट्रैवल इन द फर्स्ट क्लास व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली, ठीक है? और इसके अलावा जो पीछे वाला एंटाइटलमेंट है वो बाय एयर जब हमने पढ़ा था अभी विद इन द कंट्री, वो सारा सेम है। यानी 13 एंड बिलो, 13 और 13A का एंटाइटलमेंट सेम होता है। दिस एंड बिलो जो एंटाइटलमेंट है वो इकोनॉमी क्लास का ही रहेगा, और जैसा कि हमने वहां पे पढ़ा था एयर ट्रैवल के अंदर कि जेएस एंड अबव को वहां पे भी बिजनेस क्लास या फिर क्लब क्लास का एंटाइटलमेंट था, तो वो इंटरनेशनली भी जेएस एंड अबव को बिजनेस या फिर क्लब क्लास का ही एंटाइटलमेंट है, बट अप टू लेवल 16। और लेवल 17 और 18 जिसके अंदर की DG, सेक्रेटरी या चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सब आ जाते हैं, तो दे आर एंटाइटल टू ट्रेवल बाय फर्स्ट क्लास, ठीक है? तो पीछे वाला सेम ही है ये सारा, सिर्फ इसके अंदर लेवल 17 और 18 के लिए एक एलीट क्लास दी गई है इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए। दिस नेक्स्ट है जर्नी बाय सी या फिर रिवर स्टीमर। यानी इनसे अगर वाटरवे से जर्नी हो रही है तो क्या क्या एंटाइटलमेंट है किसका? 2 टेबल्स हैं यहाँ पे,
पहली टेबल है फॉर प्लेसेस अदर देन अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, और सेकेंड टेबल है मेनलैंड और अंडमान ग्रुप के बीच में ट्रैवल करने का एंटाइटलमेंट, या फिर मेनलैंड एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड के बीच में ट्रैवल करने का एंटाइटलमेंट, जो कि ट्रैवल होता है बाय शिप्स ऑपरेटेड बाय शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसके अंदर जो हाईएस्ट एंटाइटलमेंट है वो लेवल 9 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे हाईएस्ट एंटाइटलमेंट्स मार्क कर देती हूँ। देखो लेवल 9 से अबव जो पे स्केल्स हैं या फिर पे लेवल्स हैं उन सबको एंटाइटलमेंट है सी के लिए, हाईएस्ट हाईएस्ट वाली जो भी क्लास है। ठीक है, पीजे हमने पढ़ा था डीएस एंड अबव यानी लेवल 12 एंड अबव, इनको कौन सा हाईएस्ट एंटाइटलमेंट अलाउड है? ट्रेन में हाईएस्ट एंटाइटलमेंट डीएस एंड अबव से स्टार्ट हो जाता है। देन प्लेन से हाईएस्ट एंटाइटलमेंट लेवल 14 से स्टार्ट हो जाता है एयर ट्रेवल में, और उसके अंदर भी हम अगर बाइफर्केशन करें तो विद इन द कंट्री तो 14 एंड अबव ही है हाईएस्ट ट्रेवल, और इंटरनेशनल ट्रेवल्स के अंदर लेवल 17 को हाईएस्ट क्लास मिलती है। ठीक है, तो मैंने सारे हाईएस्ट एंटाइटलमेंट्स यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। अब जर्नी बाय सी के अंदर हाईएस्ट के बाद नेक्स्ट इंटाइटलमेंट यानी सेकेंड इंटाइटलमेंट किसको मिलेगा, सेकेंड हाईएस्ट इंटाइटलमेंट? तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई लेवल 9 को तो हाईएस्ट इंटाइटलमेंट मिल गया है, तो पेवेंट 2 में कौन से ग्रेड पे बच गए? क्या यहाँ पर बाइफर्केशन इजीली दिख रहा है? वो है लेवल 6 टू लेवल 8 का। दोनों टेबल के अंदर लेवल 6 टू लेवल 8 को मिला है सेकेंड हाईएस्ट इंटाइटलमेंट। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट के दो रोज हैं इन दोनों के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि पेमेंट 1 को भी दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, लेवल 1 से लेवल 3 और लेवल 4 से लेवल 5। ठीक है, अब याद करने की चीज़ यहाँ पे सिर्फ इतनी रह गई है कि जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑपरेट की हुई शिप्स हैं उनके अंदर जो इंटाइटलमेंट्स हैं उनके अंदर जो क्लासेज हैं उनका क्या नाम है। तो सबसे हाईएस्ट क्लास को बोलते हैं उसके अंदर डीलक्स क्लास, नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास या फिर ए केबिन, फिर है सेकेंड क्लास या फिर बी केबिन, और उसमें लोएस्ट क्लास को बोलते हैं बंक क्लास। ठीक है, और वो लोएस्ट क्लास किसको मिलेगी? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पे लेवल पे। फाइन, तो आई गेस ये बाइफर्केशन आपको लर्न हो गया होगा। अच्छा, एक यहाँ पर एक चीज और है नोट करने वाली, इसको नोट कर लेना। अगर सपोज किसी स्टीमर पर दो ही क्लासेस हैं या तो हाईएस्ट और या फिर सेकंड हाईएस्ट, दो ही क्लासेस हैं उसको हम बोल देते हैं सपोज फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, तो फर्स्ट क्लास तो ऑफकोर्स मिलेगी लेवल 9 एंड अबव को, और बाकी जितने भी बचे 8 एंड बिलो लेवल्स उनको सेकंड क्लास मिलेगी। देन वो ये कहते हैं कि अगर तीन क्लासेस हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट क्लास तो मिलेगी भाई लेवल 9 एंड अबव को, ठीक है ना? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास अगर तीन क्लासेस हैं तो फर्स्ट तो ऑटोमेटिकली 9 एंड अबव को ही मिलेगी। ठीक है, और मिडल वाली यानी सेकंड क्लास मिल जाएगी बाकी के लेवल 4, 5, 6, 7 और 8 को, और जो लोएस्ट क्लास मिलेगी वो मिलेगी 3 एंड बिलो को। फाइन, और अगर चार क्लासेस हैं तो चार क्लासेस में तो ये चार बाइफर्केशन आपको दे ही रखा है। नेक्स्ट इज जर्नी बाय रोड। तो रोड की जर्नी के लिए माइलेज अलाउंस कितना मिलता है वो इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले देखो सबसे हाईएस्ट अलाउंस जिसका है वो है 14 लेवल, अगेन वही जेएस एंड अबव, भाई 14 लेवल एंड अबव इनको क्या क्या अलाउड होता है? ये हम जर्नी बाय रोड की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ड्यूरिंग द ऑफिशियल टूर या ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर रोड से ट्रैवल करना पड़ रहा है किसी भी पर्टिकुलर दो प्लेसेस के बीच में, या फिर इसके अंदर वो भी चीज़ इंक्लूड हो जाएगी कि घर से या फिर आपके हेडक्वार्टर से रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस आप जिस व्हीकल से करोगे वो भी इसके अंदर माइलेज अलाउंस के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक, तो 14 एंड अबव यानी जेएस एंड अबव के लिए क्या क्या एंटाइटलमेंट्स है रोड जर्नी के लिए वो यहाँ पे देखते हैं। एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस, कोई भी पब्लिक बस अगर यूज करनी है तो वो कर सकते हैं इंक्लूडिंग एसी बस, यानी एसी बस का एंटाइटलमेंट है। अब यहाँ पे एक चीज और ये नोट करके रखनी है कि यहाँ पे हर जगह पे पब्लिक बस लिखा हुआ है, तो पब्लिक बस मतलब
जैसे दिल्ली के अंदर डीटीसी की बसेज चलती हैं, तो सीएनजी की बसेज हैं या फिर इलेक्ट्रिक बसेज हैं, चाहे वो एसी है चाहे नॉन एसी है, तो ये पब्लिक बसेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे हाईएस्ट इंटाइटलमेंट जो है वो 14 एंड अबव है, 14 एंड अबव यानी जेएस एंड अबव को हाईएस्ट इंटाइटलमेंट है। और भाई जब रोड जर्नी है तो हाईएस्ट इंटाइटलमेंट क्या ही हो सकता है, तो हाईएस्ट इंटाइटलमेंट है उनका कि एसी बस के अंदर वो ट्रेवल कर पाएंगे, फाइन। इसके अलावा लेवल 14 एंड अबव ऑफिसर्स आर ऑल्सो इंटाइटल टू ट्रेवल बाय एसी टैक्सी व्हेन जर्नी इज एक्चुअली परफॉर्म बाय एसी टैक्सी, कि बस नहीं है अवेलेबल तो वो एसी टैक्सी से भी परफॉर्म कर सकते हैं अपनी जर्नी। इसके अलावा ऑटो रिक्शा, खुद की गाड़ी से या फिर स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, ये सबके लिए है। यहाँ से हम कॉमन जो चीज़ें हैं पहले उसको पढ़ लेते हैं। देखो ये वाला जो थर्ड पॉइंट है वो सबके लिए कॉमन है। भाई अगर सपोज किसी की ट्रेनिंग है, किसी को टूर पे जाना है और वो घर से एयरपोर्ट जाना है उनको या फिर घर से रेलवे स्टेशन जाना है, तो वो ऑटो करके जाएं, खुद की गाड़ी से जा सकते हैं, स्कूटर से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, मोपेड से जा सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सबके लिए एडमिसिबल है, चाहे वो किसी भी लेवल के ऑफिसर है ना। बस इसके अंदर ये है कि एट प्रेस्क्राइब रेट्स। अब ये प्रेस्क्राइब रेट्स कौन से होते हैं, हर जगह की जो गवर्नमेंट होती है वो प्रेस्क्राइब करके रखती है इन रेट्स को कि रोड जर्नी की रेट्स क्या हैं, ठीक है। तो आप जिस सिटी के अंदर ट्रैवल करोगे उस सिटी के प्रेस्क्राइब रेट्स यहाँ पर काउंट हो गए। तो बेसिकली थर्ड वाला पॉइंट तो सबके लिए ही है, तो इसके लिए कुछ लर्न करने की तो जरूरत है नहीं कि भाई किसका एंटाइटलमेंट क्या है। एक्चुअली में एंटाइटलमेंट सिर्फ इतना लर्न करना है कि एसी बसेस की एंटाइटलमेंट कहाँ तक है, एसी टैक्सी की एंटाइटलमेंट कहाँ तक है और नॉन एसी बस की एंटाइटलमेंट किसको है, ठीक है। तो यहाँ पर 14 एंड अबव के लिए तो हमने देख लिया कि भाई एसी टैक्सी है तो उसका भी अलाउड है, एसी बस है तो वो भी अलाउड है, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट है लेवल 6 to 13। तो लेवल 6, ठीक है, जितने भी एंटाइटलमेंट्स हम पढ़ रहे हैं वहां पर यही बाइफरकेशन है मैक्सिमम जगह पे कि भाई लेवल 6 to 13 को क्या एंटाइटलमेंट है। इनको सेम एंटाइटलमेंट है, बस लेवल 6 to 13 जो है वो एसी टैक्सी से नहीं जा सकते, ठीक है। सेम एज अबव विद एक्सेप्शन दैट जर्नी बाय एसी टैक्सी इज नॉट परमिसिबल। तो दैट मीन्स 6 एंड अबव जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है उन सबको एसी बस की एंटाइटलमेंट है, और डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लेवल 14 एंड अबव वालों को एसी टैक्सी भी परमिसिबल है, फाइन। अब आ जाते हैं लेवल 5 एंड बिलो के लिए। तो लेवल 5 एंड बिलो के लिए जैसे पहले भी दो उसके अंदर बाइफरकेशन थे, तो यहाँ पर भी बाइफरकेशन है। लेवल 3 एंड बिलो, देखो इन दोनों में फर्क कितना है कि लेवल 4 और 5 को किसी भी तरीके की पब्लिक बस चलेगी अदर देन एसी बस, यानी कि एसी बस की एंटाइटलमेंट आपकी यहाँ से शुरू, यहाँ से उसका बाइफरकेशन हो रहा है कि लेवल 5 एंड बिलो को नॉन एसी बस और लेवल 5 एंड अबव, सॉरी लेवल 6 एंड अबव को होगा एसी बस का एंटाइटलमेंट, ठीक। अब सिर्फ इन दोनों में क्या फर्क है कि 1, 2, 3, 4, 5 लेवल के अंदर जो 1, 2 और 3 लेवल है उनको सिर्फ ऑर्डिनरी पब्लिक बस से ही का ही जो एक्चुअल फेयर है वो रिम्बर्सिबल होगा या फिर वो एंटाइटलमेंट है उनकी, फाइन। और 4 और 5 को कोई सी भी पब्लिक बस, चाहे वो डीलक्स पब्लिक बस हो बट नॉन एसी बस होनी चाहिए वो, ठीक है। यानी 1 से लेके 5 सबको नॉन एसी बस ही एंटाइटलमेंट है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर है ऑर्डिनरी और यहाँ पर है एनी काइंड ऑफ, बस नॉन एसी होनी चाहिए, ठीक है। इतना भी मुश्किल नहीं है ये, आई गेस इतना तो लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जो रोड जर्नी के लिए माइलेज अलाउंस मिलता है वो प्रेस्क्राइब रेट्स पर मिलता है, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि ये जो प्रेस्क्राइब रेट्स होते हैं ये कौन से रेट्स होते हैं, वो रेट जो कि किसी भी स्टेट में जो उनका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है ये प्रेस्क्राइब रेट्स क्या होंगे, कि ऑटो में ट्रेवल करने के कितने रेट हैं, एसी टैक्सी या फिर नॉन एसी टैक्सी के लिए कितने रेट्स हैं प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। तो इन सब पे जो भी माइलेज अलाउंस है वो मिलता है। अब ये जो पॉइंट है उसके अंदर ये है कि एट प्लेसेस वेयर नो स्पेसिफिक रेट्स हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसर्न स्टेट और ऑफ नेबरिंग स्टेट, अगर कहीं पर ये प्रेस्क्राइब रेट्स अवेलेबल नहीं है या फिर कहीं पर ये रेट्स प्रेस्क्राइब नहीं किए गए हैं तो वहां के लिए ये जो है स्टैंडर्ड रेट्स, इस पर माइलेज अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो खुद की गाड़ी हो या फिर टैक्सी है तो 24 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, और रिक्शा या फिर खुद के स्कूटर से अगर जर्नी परफॉर्म की गई है तो
तो सिर्फ किलोमीटर चेक करेंगे कि कितने किलोमीटर है, सपोज घर से लेके रेलवे स्टेशन तक जितना भी किलोमीटर होगा उसमें 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिल जाएगा, अगर पर्सन ऑटो रिक्शा के लिए एंटाइटल्ड है या फिर किसी ने ऑटो रिक्शा से ट्रैवल किया है तो। ठीक है, एट प्लेसेज वेयर नो स्पेसिफिक रेट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड द रेट पर किलोमीटर विल फर्दर राइज बाय 25% व्हेनेवर डीए इंक्रीजेस बाय 50%। जब भी डीएनएस अलाउंस 50% से ऊपर जाएगा, डीएनएस अलाउंस जब भी बढ़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो बढ़ाती है डीए को, और जैसे ही वो बढ़ता है और वो 50% से अगर ऊपर हो जाता है तो इन रेट्स में 25% और ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी डीए सपोज 50% से ऊपर गया तो ये 24 रुपये पर किलोमीटर के बदले 6 इसमें और ऐड हो जाएंगे, यानी 30 रुपीज पर किलोमीटर मिलेगा फिर ये। ठीक, अब देखो हम इतनी सारी जर्नीज और सबके एंटाइटलमेंट्स पढ़ चुके हैं तो इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, मेरे साथ इस टेबल को भरने की कोशिश करना, आई गेस इससे बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी ये सारी की सारी एंटाइटलमेंट्स। तो सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे कॉलम है हु इज एंटाइटल्ड फॉर द हाईएस्ट एंटाइटलमेंट। हमने सबसे पहले पढ़ा था एयर ट्रेवल विद इन द कंट्री, यानी कि अगर कोई ऑफिशियल टूर या ट्रेनिंग है तो, और दैट ऑफिशियल टूर या ट्रेनिंग का जो डेस्टिनेशन है वो विद इन द कंट्री है, तो एयर ट्रेवल के अंदर कौन कौन सी क्लासेस अलाउड हैं, तो उसमें है या तो बिजनेस क्लास है या फिर क्लब क्लास है, तो इसके लिए कौन एंटाइटल्ड होगा, यानी हाईएस्ट एंटाइटलमेंट किसको है, वो हाईएस्ट एंटाइटलमेंट है जेएस एंड अबव को, राइट। और जेएस एंड अबव को अगर ग्रेड पे से याद रखना है तो 10,000, और पे लेवल से याद करना है, पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC, तो वो पे लेवल हमने करा था 14 एंड अबव की, 14 एंड अबव के जो पे लेवल वाले ऑफिसर्स हैं दोज ऑफिसर्स आर एंटाइटल्ड टू ट्रेवल इन द बिजनेस या फिर क्लब क्लास, फाइन। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा कुछ एक्स्ट्रा इन्फो, देखो एक्स्ट्रा इन्फो यहाँ पे दो है काम की। फर्स्ट थिंग कि विद इन द कंट्री अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या उसमें कोई भी ऑफिसर फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर सकता है, अगर एरोप्लेन में फर्स्ट क्लास अवेलेबल है तो क्या कोई भी ऑफिसर फर्स्ट क्लास के लिए एंटाइटल्ड है, तो नो, क्योंकि विद इन द कंट्री की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास के लिए कोई एंटाइटल ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बिजनेस क्लास है, हाईएस्ट क्लास और या फिर इकोनॉमी क्लास है, फाइन। और दूसरी चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फो ये है कि क्या ऐसे कोई ऑफिसर्स हैं जो कि विद इन द कंट्री ट्रैवल करना है अगर टूर या ट्रेनिंग के लिए, तो ऐसे कौन से ऑफिसर्स हैं जो बाय एयर ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो वो है लेवल 5 एंड बिलो, नॉट एलिजिबल या फिर नॉट एंटाइटल्ड भी कह सकते हैं, फाइन। इसके अलावा बचा क्या, बस इकोनॉमी क्लास, तो भाई इकोनॉमी क्लास देखो लेवल 14 एंड अबव को तो हाईएस्ट एंटाइटलमेंट हो गया, लेवल 5 एंड बिलो को हमने नॉट एंटाइटल्ड कर दिया, तो बचे कौन से, लेवल 6 से लेके लेवल 13 तक के, 13 या फिर 13AV जो एंटाइटल्ड होते हैं वो 13 के लिए ही एंटाइटल्ड होते हैं, आई मीन 13 वाले ही एंटाइटलमेंट 13A वाले भी फॉलो करते हैं। एनीवे जो इकोनॉमी क्लास है वो लेवल 6 to 13, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंटरनेशनल ट्रेवल, अगर टूर या ट्रेनिंग की जो डेस्टिनेशन है वो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है तो ऑफ कोर्स बाय एयर ही ट्रेवल होगा, और व्हेन ट्रेवलिंग इंटरनेशनली तो कुछ ऑफिसर्स फर्स्ट क्लास से भी ट्रेवल कर सकते हैं जो भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो फर्स्ट क्लास के अंदर बेसिकली कौन एंटाइटल्ड होते हैं, हु इज एंटाइटल्ड फॉर द हाईएस्ट एंटाइटलमेंट, तो हाईएस्ट एंटाइटलमेंट के लिए एंटाइटल्ड हैं आपके सेक्रेटरी या फिर चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट, चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है। और इसको हम पे लेवल से याद करते हैं तो पे लेवल था हमारा लेवल 17 एंड 18, ठीक है। इसके अलावा बाकी के दोनों का एंटाइटलमेंट सेम है जो भी हमने ऊपर लर्न किया है, तो बिजनेस क्लास के लिए लेवल 14 एंड अबव, और 14 एंड अबव के अंदर 14 to 16, क्योंकि 16 से ऊपर तो फिर अब नेक्स्ट क्लास के लिए एंटाइटल हो गए, ठीक है। और इकोनॉमी के लिए 13 एंड बिलो, फाइन। इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फो मैं खाली छोड़ रही हूँ क्योंकि 13 एंड बिलो का मतलब हो गया कि 13 से नीचे जितने भी हैं ऑफिसर सारे ही है ना। अब देखो इसके अंदर लेवल 5 का अगर सपोज कोई ऑफिसर है और ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल इंटरनेशनली ऑन सम टूर और ऑन सम ट्रेनिंग, तो लेवल 5 वाला ऑफिसर भी जो है वो तब इकोनॉमी क्लास के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो विद इन द कंट्री ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर इकोनॉमी क्लास, ही हैज टू ट्रेवल बाय ट्रेन व्हेन ट्रेवलिंग विद इन द कंट्री, बट अगर इंटरनेशनल ट्रेवल की बात हो रही है तो ऑफकोर्स
ही विल ट्रेवल बाय एयर एंड इन द इकोनॉमी क्लास, ठीक है। नेक्स्ट एंटाइटलमेंट हमने पढ़ा था ट्रेन का एंटाइटलमेंट, जिसमें एसी फर्स्ट क्लास इज द हाईएस्ट क्लास। तो एसी फर्स्ट क्लास के लिए में ट्रैवल करने के लिए आपको जेएस बनने तक का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेन में हाईएस्ट एंटाइटलमेंट जो है वो डीएस एंड अबव को मिल जाता है, ठीक है। और पे लेवल के अंदर डीएस एंड अबव का पे लेवल कितना है? लेवल 12 एंड अबव। तो लेवल 12 एंड अबव के जितने भी ऑफिसर्स हैं, दे आर एंटाइटेड टू ट्रेवल बाय एसी फर्स्ट कोच इन ट्रेन, फाइन। इसके अलावा बचा आपका एसी टू टीयर। तो एसी टू के लिए एंटाइटल्ड है लेवल 6 to 11 के ऑफिसर्स, यानी अप टू अंडर सेक्रेटरी ग्रेड। और एसी थ्री के लिए एंटाइटल्ड है लेवल 5 एंड बिलो, ठीक है। ट्रेन का एंटाइटलमेंट तो काफी इजी है लर्न करने में। नेक्स्ट आ जाते हैं शिप के ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स। इसके अंदर ये चार क्लासेस हैं जो हमने पढ़ी थी, मेनलैंड से अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप जाने के लिए जो शिप का यूज होता है, या फिर जो शिप्स शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो शिप्स ऑपरेट करती है उसके अंदर ये वाली क्लासेस होती हैं। तो इसके अंदर हाईएस्ट क्लास में ट्रैवल करने के लिए, हाईएस्ट क्लास के लिए एंटाइटल होने के लिए आपको डीएस बनने का भी वेट नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो डीलक्स क्लास है वो लेवल 9 एंड अबव के ऑफिसर्स एंटाइटल हो जाते हैं, यानी वो सेक्शन ऑफिसर्स जिनको कि एनएफएसजी मिल गया है, यानी 5400 ग्रेड पे पर जो आ गए हैं वो लोग इस हाईएस्ट क्लास के लिए एंटाइटल रहेंगे। तो लेवल 9 एंड अबव, लेवल 9 इज व्हाट? लेवल 9 इज 5400, है ना। ऊपर यहाँ पे लेवल 12 लिखा है, लेवल 12 इज व्हाट? 7600, ठीक। इसके बाद हो गए बाकी के एंटाइटलमेंट्स। देखो 9 एंड अबव को तो हाईएस्ट एंटाइटलमेंट मिल गया, अब इसके नीचे बचे लेवल 6 to 8, फाइन। और उसके नीचे बचे 5 एंड बिलो। 5 एंड बिलो के अंदर भी यहाँ पे बाइफरकेशन थी कि 4 एंड 5 को बी कैबिन और लेवल 3 एंड बिलो को बंक क्लास, राइट। इसके बाद आ जाते हैं रोड का एंटाइटलमेंट, जो भी हमने पढ़ाई था इससे पहले। तो रोड के एंटाइटलमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे सिर्फ एसी बस या फिर नॉन एसी बस लिखी है। तो एसी बस के लिए कौन एंटाइटल्ड है? एसी बस के लिए एंटाइटल्ड है आपके 6 to 6 and above, राइट। 6 and above यानी एसी बस के लिए हाईएस्ट एंटाइटलमेंट में आप 4200 ग्रेड पे या फिर लेवल 6 and above होना काफी है। और नॉन एसी बस के लिए बाकी कौन बचे? 5 and below। एक्स्ट्रा इन्फो में मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ कि एसी टैक्सी के लिए भी कुछ ऑफिसर्स इंटाइटल्ड हैं, और वो ऑफिसर्स हैं एसी टैक्सी के लिए जो इंटाइटल्ड हैं वो है जेएस एंड अबव, जेएस एंड अबव यानी के लेवल 14 and above। और इसके बाद लेवल 5 and below, दोनों ही जो लेवल 5 and below के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब नॉन एसी बस के लिए एंटाइटल्ड हैं। बट इसके अंदर भी हमने बाइफरकेशन पढ़ी थी कि 4 and 5 और 1, 2 and 3 इनको था ऑर्डिनरी बस की एंटाइटलमेंट, है ना। और 4 and 5 को था एनी पब्लिक बस, बट इट मस्ट बी नॉन एसी, फाइन। अब ये काफी अच्छे से समराइज हो गया है, आई गेस ये सारे एंटाइटलमेंट्स लर्न हो गए होंगे। जब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत यूज होने वाली है ये वाली इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब इस अनेक्जर का नेक्स्ट कंपोनेंट है डेली अलाउंस ऑन टूर, यानी कि कोई ऑफिसर जब टूर पे जाते हैं तो उनको डेली किन किन चीजों का रिमबर्समेंट अलाउड होता है, ठीक है। तो डेली 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो रहने की यानी होटल की, ट्रैवल करने की कि भाई जो विद इन द डे ट्रैवल होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कोई टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे हैं, या फिर ड्यूरिंग द टूर जहां पर भी ट्रैवल करना पड़ रहा है विद इन द सिटी। और तीसरा है कंपोनेंट फूड। तो इन तीनों में डेली क्या क्या रिम्बर्समेंट जो है वो अलाउड है उसको हम अभी लर्न करेंगे। सबसे पहले होटल की बात करते हैं। तो होटल के अंदर सबसे हाईएस्ट इंटाइटलमेंट जो होता है वो है 7500 रुपीज़ पर डे, और ये किनको होता है इंटाइटलमेंट? जेएस एंड अबव। देखो मैं बार बार डेजिग्नेशन से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये डेजिग्नेशन के लोग सब ऑफिसेज में होते हैं और हम बेटर रिलेट कर पाते हैं उन डेजिग्नेशन का नाम से, कि अगर आपके जो हायरार्की है उसके अंदर कोई जेएस है
तो आप उसको इस तरीके से देख सकते हो कि अच्छा जेएस अगर टूर पर गए हैं तो उनको 7500 रुपीज पर डे के एंटाइटलमेंट के हिसाब से होटल का रिम्बर्समेंट होगा। ठीक है, अब लेवल 12 एंड 13 यानी अगर आपके डीएस या फिर डायरेक्टर अगर जाते हैं किसी टूर पे तो उनको 4500, ठीक है, इनसे 3000 रुपीज कम पर डे। फिर आ जाओ 9 to 11 यानी 5400 ग्रेड पे और अप टू यूएस, यूएस यानी कि 6600 कि आपके यूएस अगर जाते हैं या फिर आपके एसओ जिनको कि 5400 मिल चुका है वो अगर जाते हैं किसी ट्रेनिंग पर तो उनको मिलेगा अपने डीएस डायरेक्टर से हाफ एंटाइटलमेंट पर डे होटल का यानी 2250 रुपीज, 2250। ठीक, और उसके बाद है अगर कोई 4200 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे तक इसके अंदर आ गए आपके एएसओ या फिर जो अभी न्यूली प्रोमोटेड एसओ होंगे जो कि 4800 पे जिनकी पे फिक्स हुई है या फिर 4200 पर्सनल असिस्टेंट्स, ये सब अगर जाते हैं ट्रेनिंग पर या टूर पर तो उनको है 750 यानी अराउंड 1/3। और फिर है लोएस्ट जो कि है लेवल 5 एंड बिलो, इनको होता है रिम्बर्समेंट 450 रुपीज पर डे का यानी इससे 300 कम। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी इसमें रीजनिंग लगा सकते हो कि अच्छा फर्स्ट से सेकंड लेवल पे 3000 रुपीज कम मिलता है, फिर उसके बाद हाफ हो गया, ठीक है, उसके बाद अराउंड 1/3 हो गया और उसके बाद -300। खैर कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं बन रहा है बट इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे लर्न करते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं टैक्सी का रिम्बर्समेंट पर। अब आ जाते हैं टैक्सी में क्या क्या रिम्बर्समेंट होगा। तो टैक्सी के लिए लेवल 14 एंड अबव के लिए कोई लिमिट नहीं है, उनको एसी टैक्सी अलाउड है और उसके अंदर कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि वो एक दिन में 100 किलोमीटर ही चला सकते हैं या 1 किलोमीटर में 70 किलोमीटर ही रिम्बर्सिबल होगा, तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो एसी टैक्सी चार्जेस एज पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर उनको रिम्बर्सिबल होगा, फाइन। फिर है लेवल 12 एंड 13 यानी डीएस एंड डायरेक्टर, वो अगर टूर पर जाते हैं तो उनको एसी टैक्सी अलाउड है अप टू 50 किलोमीटर पर डे, 50 किलोमीटर पर डे का उनका लिमिट लगाया हुआ है कि पर डे विद इन द सिटी दे कैन ट्रैवल अप टू 50 किलोमीटर इन एन एसी टैक्सी। ठीक है, नेक्स्ट है लेवल 9 to 11 यानी यूएस तक, इसके अंदर देखो रिम्बर्समेंट ऑफ नॉन एसी टैक्सी चार्जेस। अब इसके नीचे जो है इन सब के लिए नॉन एसी की बात कर रही हूं मैं, तो इसके अंदर किलोमीटर से नहीं रेस्ट्रिक्ट किया है, इसके अंदर पर डे उनको अलाउवेंस का रिम्बर्समेंट अलाउड है। ठीक है, तो कितना अलाउवेंस है, 338 ये रुपीज है, और ऊपर जब मैंने 12 और 13 लेवल के लिए लिखा है वो मैंने किलोमीटर में लिखा है तो 338 पर डे। उससे भी नीचे आ जाते हैं रैंक में तो लेवल 6 to 8 यानी कि 4200 से लेके 4800 ग्रेड पे तक के जो ऑफिसर्स हैं उनको मिलेगा पर डे ऑफ ट्रेवल ₹225 पर डे, वो इतना ट्रैवल पे खर्च कर सकते हैं जो कि रिम्बर्सिबल होगा। ठीक है, और फिर लेवल 5 एंड बिलो विच इज 113 रुपीज पर डे। अब इसके अंदर भी कुछ रीजनिंग तो लगा ही सकते हो, अगर 338 की डिजिट एक याद कर ली कि भाई यूएस लेवल तक का जो इंटाइटलमेंट है यानी 5400 और 6600 ग्रेड पे वाले ऑफिसर्स को पर डे टैक्सी के लिए 338 रुपीज का रिम्बर्समेंट अलाउड है ना, ये वाली डिजिट याद कर लो। तो इससे नीचे नेक्स्ट जो इंटाइटलमेंट है 6 to 8 लेवल वाले ऑफिसर्स का वो है -113, इसमें से 113 माइनस करोगे तो 225 आ जाएगा, फिर उसमें से और 112 माइनस करोगे तो 113 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सिमिलर सिमिलर सी फिगर्स हैं, आई गेस 4-5 बार इसको खुद से लिखोगे इसी तरीके से टेबल बना के जैसे मैं बना रही हूँ तो आपको भी लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आप डेली का फूड का एंटाइटलमेंट किसका कितना है। तो भाई बाइफरकेशन सब में यही है कि जेएस एंड अबव को मिलेगा 1200 पर डे, उससे 200 रुपये कम मिलेगा डीएस एंड डायरेक्टर को यानी 1000 रुपीज पर डे, उससे 100 रुपये कम मिलेगा एसओ और यूएस यानी 5400 ग्रेड पे या फिर 6600 ग्रेड पे ऑफिसर्स को यानी 900 रुपये पर डे, और अगर आप एएसओ के लेवल पर हो तो यानी कि आपको मिलेगा यहाँ पर 800 पर डे का एंटाइटलमेंट, फाइन। और 5 एंड बिलो को मिलता है 500 रुपीज पर डे। ठीक है, इसको 4-5 बार टेबल बनाओगे तो आई गेस ये लर्न हो ही जाएगा, और अपने जो सीनियर्स हैं उनके डेजिग्नेशन से अगर इसको याद करने की कोशिश करोगे तो और बेटर तरीके से रिलेट करके याद कर पाओगे। तो नेक्स्ट देखो आप डेली अलाउंस में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उनके रिम्बर्समेंट के लिए, वो आगे गाइडलाइंस दी हुई है। सबसे पहली चीज है रिम्बर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस, और उसके लिए उन्होंने स्पेशली लेवल 8 एंड बिलो के लिए बताया है कि लेवल 8 एंड बिलो जो अमाउंट क्लेम करेंगे
वो अमाउंट विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ वाउचर्स और अगेंस्ट सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम पर ही अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। दैट मीन्स लेवल एट एंड बिलो को कोई वाउचर, कोई रिसीट, इस तरीके की चीजें देने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ सेल्फ सर्टिफाइड एक क्लेम देंगे कि वो इस पर्टिकुलर डे से इस डे तक रुके थे, यानी कि पीरियड ऑफ स्टे, और नेम ऑफ द ड्वेलिंग अगर देंगे खाली, तो उससे ही उनका जो रिम्बर्समेंट है वो प्रोसेस हो जाएगा। अब लेवल एट एंड बिलो के लिए चार्जेस थे कितने होटल के, तो सबसे पहले है लेवल 6 to 8, जिनको की एंटाइटलमेंट था 750 रुपीज का, और लेवल 5 एंड बिलो को था 450 रुपीज पर डे का एंटाइटलमेंट, राइट। इसके बाद एडिशनली उन्होंने एक और पॉइंट बताया है, जो कि है कि अगर क्लास एक्स सिटीज, देखो जो क्लास एक्स सिटीज होती हैं वो मोर डेवलप्ड सिटीज हैं, और वो डेवलप्ड सिटीज हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो क्लास एक्स सिटीज हैं। तो अगर क्लास एक्स सिटीज के अंदर स्टे किया है किसी लेवल एट एंड बिलो के भी इम्प्लॉय ने, तो इन दैट केस जो रिम्बर्समेंट है वो 750 की जगह 1000 रुपीज पर डे मिल सकता है, 1000 पर डे, ठीक है, अप टू लेवल एट। दैट मीन्स लेवल 5 एंड बिलो के लिए भी है वो इंटाइटलमेंट। तो अप टू लेवल एट चाहे कोई भी लेवल हो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, उनको 1000 रुपीज पर डे, बट इन दैट केस अगर ये क्लेम करना है तो आपको प्रोडक्शन ऑफ रेलेवेंट वाउचर्स करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर भी वही सेंटेंस लिखा है जो हर जगह पर लिखा हुआ है कि ये जो होटल चार्जेस हैं, जब भी डीए 50% से ऊपर मिल जाएगा तो ये चार्जेस 25% से ज्यादा राइज कर जाएंगे। दैट मीन्स अगर वो 1000 रुपीज के लिए एंटाइटल्ड है एंड डीए हैज क्रॉस 50%, तो 25% और, यानी 250 रुपये और इसके अंदर एडिशन हो जाएगा एंटाइटलमेंट में। एंटाइटलमेंट 1000 के बदले हो जाएगा 1250 का। अब नेक्स्ट है रिम्बर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग चार्जेस। तो सिमिलर जैसे हमने अभी ऊपर देखा है कि अकोमोडेशन चार्जेस लेवल एट एंड बिलो के लिए बिना किसी वाउचर के रिम्बर्सिबल होते हैं, सिमिलरली ट्रैवलिंग चार्जेस भी लेवल एट एंड बिलो के लिए दे मे बी पेड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ वाउचर्स एंड अगेन अ सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। अब जैसे भाई होटल का चार्जेस का रिम्बर्समेंट है तो आप उसके अंदर पीरियड ऑफ स्टे और नेम ऑफ ड्वेलिंग लिखोगे कहाँ पर ठहरे थे, तो सिमिलरली ट्रैवलिंग चार्जेस के लिए आप पीरियड ऑफ ट्रैवल बताओगे और दूसरा व्हीकल नंबर बताओगे कि किस व्हीकल में आपने ट्रैवल किया है। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर सीलिंग फॉर लेवल 11 एंड बिलो, सबसे पहले तो आपको सीलिंग्स ये याद होनी चाहिए कि भाई 6 to 8 की सीलिंग कितनी थी, 225 रुपीज पर डे का ट्रैवल का जो सीलिंग थी, देन 113 था पर डे फॉर लेवल 5 एंड बिलो, एंड लेवल 9 to 11 के लिए था 338, राइट। अभी पीछे पढ़ा है हमने ये, तो अब वो ये कह रहे हैं कि लेवल 11 तक की जो सीलिंग्स है, द सीलिंग्स फॉर लेवल 11 एंड बिलो, यानी इन सब के लिए ये चीज जो है वो इसके ऊपर एडमिसिबल होती है कि 50% ऑफ डीए बढ़ने पर इनका एंटाइटलमेंट 25% से और बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कौन से लेवल तक की सीलिंग्स जो है वो यहाँ पर 50% से डीए बढ़ने पर 25% और बढ़ जाएगी, तो दैट इज सीलिंग फॉर लेवल 11 एंड बिलो। नेक्स्ट यहाँ पे एडिशनली उन्होंने बताया है कि अगर कोई जर्नी ऑन फुट भी करनी पड़ रही है तो उसके लिए भी एक अलाउंस जो है 12 रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग मिलेगा, और ये 12 रुपीज पर किलोमीटर के लिए जो डेली जो ये अलाउंस का पार्ट है जो कि एडिशनली मिल रहा है, ये वाला रेट भी फर्दर राइज कर जाएगा 25% से जब डीए 50% से ऊपर क्रॉस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिम्बर्समेंट ऑफ फूड चार्जेस। तो उसके लिए देखो कोई सेपरेट बिल्स नहीं चाहिए, कोई सेपरेट रिम्बर्समेंट नहीं होगा फूड बिल का, इंस्टेड एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। एक लमसम अमाउंट कितना मिलेगा, जो कि हमने पीछे भी टेबल E1 के अंदर पढ़ा है। E1 टेबल के अंदर हमने जहाँ पे की होटल टैक्सी और फूड के चार्जेस एक ही टेबल में लिखे हुए थे सारे, ठीक है। तो लेट अस रिवाइज, पहले तो बताओ फूड के चार्जेस जो है वो लेवल 14 एंड अब आपको पर डे कितना मिलता है, 1200 पर डे मिलता है, राइट। देन 12 एंड 13 लेवल पे मिलता है 1000 रुपीज, फिर और 100 रुपये कम कर दो, फिर और 100 रुपये कम कर दो, और फाइनली लेवल 5 एंड बिलो को मिलता है ₹500 पर डे। तो ये सारे चार्जेस जो है वो पर डे के चार्जेस हैं, ठीक है, पर डे के एंटाइटलमेंट्स हैं एक तरह से, फाइन। अब वो कह रहे हैं बिल तो लगाना नहीं है, तो एक लमसम अमाउंट मिलेगा। तो लमसम अमाउंट जो है इट विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स। अगर आप सपोज सिर्फ 6 घंटे के लिए गए हो, लेस देन 6 आवर्स, ठीक है, लेस देन 6 आवर्स का ही सिर्फ कोई ट्रेनिंग है, तो उसके लिए फूड चार्जेस जो है उसका रिम्बर्समेंट होगा 30% ऑफ द लमसम अमाउंट। यानी वन डे में आप 6 घंटे से कम टाइम के लिए ही कहीं पर गए हो,
जो कि आपको ऑफिशियली भेजा गया है, तो आपको जो रिम्बर्समेंट मिलेगा 30% ऑफ द लमसम अमाउंट मिलेगा फॉर एज फूड चार्जेस। तो 30% यानी कि सपोज भाई इनका है तो 360 रुपीज मिल जाएगा, फाइन 300 इनको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये लमसम चार्जेस मिल जाएंगे विदाउट एनी बिल, फाइन। अब इसके बाद है अगर 6 से 12 घंटे के बीच का एब्सेंस है तो मिलेगा 70%, और 12 घंटे से ज्यादा का अगर एब्सेंस है तो वो मिलेगा 100% ऑफ द लमसम अमाउंट, यानी जितना ये अमाउंट पर डे लिखा है उतना ही मिलेगा अगर एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर इज 12 आवर्स एंड अबव। ठीक है, तो 30, 70 एंड 100 फॉर लेस देन 6 आवर्स, 6 to 12 आवर्स एंड 12 आवर्स। सिंस द कंसेप्ट ऑफ रिम्बर्समेंट हैज बीन डन अवे विद, नो वाउचर्स यानी कोई रेट वो लेने की जरूरत नहीं है बिल वगैरह। और अगेन यहाँ पर वही सेंटेंस है कि ये भी 25% से बढ़ जाएगा जब डीए 50% से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये डेली अलाउंस के अंदर सारे रिम्बर्समेंट्स के अंदर ये पर्टिकुलर लाइन लिखी है तो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इस नोट को और रीड कर सकते हो कि एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर कब से रेकॉर्ड होगा, मिडनाइट टू मिडनाइट काउंट होगा। ठीक है, और पर डे बेसिस पर, ऑफकोर्स पर डे बेसिस पर ही मिलेगा ये। ठीक है, और मिडनाइट टू मिडनाइट, तो ये भी अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन कुछ भी बन सकते हैं कि फ्रॉम नून टू नून हो सकता है, फाइन मिड डे से मिड डे तक हो सकता है, तो हेयर वो मिडनाइट टू मिडनाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना ताकि किसी भी सेंटेंस के अंदर से कोई भी एमसीक्यू बने तो आपको एक एक सेंटेंस पता हो इसका। नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ स्टे या जर्नी ऑन गवर्नमेंटशिप, भाई गवर्नमेंटशिप या गवर्नमेंट बोर्ड के थ्रू अगर आप जर्नी कर रहे हो किसी रिमोट प्लेसेस पर जा रहे हो ऑन फुट या ऑन म्यूल्स, GFSI या फिर GSI, सर्वे ऑफ इंडिया, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेटा कलेक्शन पर्पसेस के लिए इस तरीके की जर्नी करती है, तो भाई ये जर्नी तो सारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, तो इन केसेस में डेली अलाउंस मिल जाएगा। डेली अलाउंस विल बी एट द रेट ऑफ विल बी एट द रेट इक्विवेलेंट टू दैट प्रोवाइडेड फॉर द रिम्बर्समेंट ऑफ फूड बिल। तो फूड बिल का जितने रिम्बर्समेंट की सीलिंग है उस सीलिंग के हिसाब से डेली अलाउंस मिल जाएगा, क्योंकि बाकी जगह तो खर्चा हो ही नहीं रहा। ठीक है, गवर्नमेंट शिप या बोर्ड पर ही आप जर्नी कर रहे हो या फिर स्टे कर रहे हो तो उसके केस में डेली अलाउंस सिर्फ फूड बिल के हिसाब से मिलेगा, और फूड बिल का जो टेबल हमने पीछे पढ़ा था 1200 देन 1900 वगैरह वो सब मिलेगा। अब इसके अंदर स्पेशली उन्होंने लिखा है कि भाई अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जैसे सपोज 1200 का जो है वो एंटाइटलमेंट है लेवल 14 का, ठीक है, अब चाहे उन्होंने इतना खर्च किया है चाहे नहीं किया है, वो एज इट इज इतना रिम्बर्स हो जाएगा। ठीक है, दिस अमाउंट विल बी सेंक्शन इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, चाहे इनका एक्चुअल एक्सपेंडिचर 600 रुपए का ही हुआ हो, लेकिन इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस एक्चुअल एक्सपेंडिचर ये पूरा पूरा एज इट इज रिम्बर्स हो जाएगा। ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ एचओडी या फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो किसके अप्रूवल से, देखो इस सेंटेंस के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि जो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो डेली अलाउंस फूड रिम्बर्समेंट वाला मिलेगा वो किसके अप्रूवल से मिलेगा, तो एचओडी के अप्रूवल से मिलेगा। ठीक है, या फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर। नेक्स्ट यहाँ पे इस नोट को भी पढ़ लेते हैं कि फॉरन ट्रेवल के लिए जो डीए रेट्स हैं दे विल बी रेगुलेटेड एज प्रिस्क्राइब बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, क्योंकि फॉरन ट्रेवल की बात हो रही है तो ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का सब्जेक्ट है, तो डीए रेट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल प्रिस्क्राइब। अभी जो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक है टीए ऑन ट्रांसफर। टीए ऑन ट्रांसफर के अंदर चार कंपोनेंट होते हैं। देखो टीए ऑन ट्रांसफर सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि अगर सपोज किसी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का किसी एक सिटी से, सिटी ए से सिटी बी में ट्रांसफर हो जाता है तो वो किन किन चीजों के लिए एंटाइटल्ड है। तो फर्स्ट थिंग, वो अपनी फैमिली को साथ ले जाने के लिए एंटाइटल्ड है तो उनके ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स उसको मिलेंगे। नेक्स्ट, कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट, ये एक लमसम अमाउंट होती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, रिइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट, वो अकेला तो जाएगा नहीं, अपना सामान भी साथ लेके जाएगा, तो जो अपने सामान है ये वो पर्सनल इफेक्ट में आता है तो उनके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी उसको रिइंबर्स होंगे। एंड नेक्स्ट है रिइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेयंस, अगर सपोज इसने अपने पास कोई गाड़ी रखी हुई है या फिर कोई स्कूटी बाइक है तो उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ए सिटी से बी सिटी तक के लिए उसको चार्जेस मिलेंगे, रिम्बर्स होंगे। ठीक है, तो इसमें से हम सबसे पहला कंपोनेंट पढ़ते हैं ट्रैवल इंटाइटलमेंट। ट्रैवल इंटाइटलमेंट हम पीछे पढ़ चुके हैं, वही ट्रैवल इंटाइटलमेंट जो कि हमने पीछे पैरा टू के अंदर पढ़ी थी, एक्सेप्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल दैट विल बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ जर्नी ऑन ट्रांसफर। कौन से पैरा टू में कौन से इंटाइटलमेंट की बात कर रही हूँ मैं आपको शो कर देती हूँ। दिस वन, ये हमने पढ़ा था ना अभी पीछे कि भाई ट्रेन से इंटाइटलमेंट कितनी है, अगर वो एरोप्लेन के लिए एंटाइटल्ड है तो कौन सी क्लास के लिए एंटाइटल्ड है। तो यही वाली एंटाइटलमेंट जो पैरा टू के अंदर दी हुई थी वही एंटाइटलमेंट लगेंगी टीए ऑन ट्रांसफर के अंदर। ठीक है,
इसके बाद लिखा है द जनरल कंडीशंस ऑफ एडमिसिबिलिटी प्रेस्क्राइब्ड इन एसआर 144 हाउएवर विल हाउएवर कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो एसआर 144 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो ये टीए है जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, टी ऑन ट्रांसफर। ठीक है, इट मे नॉट बी ड्रॉन अंडर दिस सेक्शन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर अनलेस ही इज ट्रांसफर्ड फॉर पब्लिक कन्वीनियंस। यानी अगर पब्लिक इंटरेस्ट में किसी का ट्रांसफर किया गया है तभी ये टीए ऑन ट्रांसफर जो है वो एडमिसिबल होगा। अगर ओन रिक्वेस्ट पर अ ट्रांसफर एट हिज ओन रिक्वेस्ट पे अगर किसी ने अपना ट्रांसफर एक सिटी से दूसरी सिटी में कराया है अपने होम टाउन में जाने के लिए, या किसी और पर्सनल रिक्वेस्ट पर अगर ट्रांसफर करवाया है एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो ये टीए ऑन ट्रांसफर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर फॉर पब्लिक कन्वीनियंस अनलेस द अथॉरिटी सैंक्शनिंग द ट्रांसफर फॉर स्पेशल रीजन विच शुड बी रिकॉर्डेड अदरवाइज डायरेक्ट। ठीक है, यानी अगर तो पब्लिक कन्वीनियंस में ट्रांसफर हो रहा है तब तो ये टीए ऑन ट्रांसफर मिलेगा, ओन रिक्वेस्ट पर टीए ऑन ट्रांसफर नहीं मिलेगा। बट अगर ओन रिक्वेस्ट में भी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है जिन्होंने ट्रांसफर किया है उसका, अगर फॉर स्पेशल रीजन उसको हम डिसाइड करते हैं कि उसको भी टीए ऑन ट्रांसफर मिले, तो दैट शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, इन फाइल। नेक्स्ट इसका पॉइंट बी, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्मॉल फैमिली नॉर्म्स एट एज कंटेन्ड इन पैरा 4A शैल कंटिन्यू टू एप्लीकेबल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का 1998 का OMA, जिसके अंदर स्मॉल फैमिली नॉर्म्स से बताते हैं कि टू डिपेंडेंट चिल्ड्रन तक का फैमिली इंटाइटलमेंट, ये जो सेल्फ एंड फैमिली है, तो फैमिली में टू डिपेंडेंट चिल्ड्रन तक मिल जाएगा। ठीक है, इट विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल। आई शो यू दिस OM। इस OM की बात कर रहे थे हम, इसका पैरा 4A, ये है पैरा 4A, जिसके अंदर यहाँ पर है देखो, विद अ व्यू टू एनकरेजिंग द एडॉप्शन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इट हैज आल्सो बीन डिसाइडेड कि जो टीए ऑन ट्रांसफर है इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू टू डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, सिर्फ दो डिपेंडेंट चिल्ड्रन तक मिलेगा, और इसकी कट ऑफ डेट उन्होंने बताई है 1 जनवरी 1999। यानी इससे पहले के अगर भाई किसी के मोर देन टू डिपेंडेंट चिल्ड्रन है तो उनको तो मिलेगा, बट आफ्टर दिस डेट ओनली टू डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो आज की डेट में तो ऑफकोर्स ये जो OM पढ़ रहे हैं हम, वो OM वैसे ही 2017 का है। ठीक है, तो आज की डेट में तो यही एप्लीकेबल होगा कि ओनली टू डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय तक उसको जो है टीए ऑन ट्रांसफर मिलेगा, जो भी बेनिफिट फैमिली को मिलता है उसके अंदर। इसके बाद है कंपोजिट ट्रांसफर या फिर पैकेजिंग ग्रांट, ये सेकंड कंपोनेंट है, और ये CTG जो है ये 80% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे। ठीक है, अगर सपोज किसी का मार्च के मंथ में ट्रांसफर हुआ है तो फेब्रवरी के अंदर उसकी जो भी बेसिक होगी, बेसिक पे, उसका 80% एज अ CTG उसको मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इन्वॉल्विंग अ चेंज ऑफ स्टेशन लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ और मोर देन 20 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। यानी कि किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर होता है जिसके अंदर, जिसके बीच में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, कम से कम 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, 20 किलोमीटर या फिर ज्यादा का डिस्टेंस है, तब उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 80% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे एज अ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर किसी का ट्रांसफर अंडमान निकोबार यानी आइलैंड टेरिटरीज से हो रहा है, आइलैंड टेरिटरीज पर हो रहा है या आइलैंड टेरिटरीज से हो रहा है, यानी दिस इज सिटी ए, सपोज दिल्ली में वो जॉब कर रहा है और दिल्ली से अंडमान उसका ट्रांसफर होता है। ठीक है, ऑफकोर्स दिस इज मोर देन 20 किलोमीटर फर्स्ट थिंग, एंड देन अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप, दीज आर आइलैंड टेरिटरीज। तो चाहे दिल्ली टू अंडमान, चाहे अंडमान टू दिल्ली, ये जो भी ट्रांसफर होता है, तो इसके अंदर 80% की जगह उसको 100% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे मिलेगा। फाइन, तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगा क्या, 100% ऑफ बेसिक पे ऑफ लास्ट मंथ। बट ये जो बेसिक पे है इसके अंदर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो कि मेडिकल ऑफिसर्स को मिलता है या फिर मिलिट्री सर्विस पे, ये सब इंक्लूडेड नहीं होगा इस 100% के अंदर। ठीक है, इस CTG के अंदर। अब देखो, अगर डिस्टेंस 20 किलोमीटर से कम का हो, तो यानी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रांसफर ए टू बी होता है, सेम सिटी में भी हो सकता है, जिसके अंदर की सिर्फ 18 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो दोनों चीज़ों के बीच का डिस्टेंस काउंट होता है वो ऑफिस टू ऑफिस काउंट होता है, ऑफिस टू ऑफिस अगर इतना डिस्टेंस है। ठीक है, और इस डिस्टेंस की वजह से कंपलसरी चेंज ऑफ रेजिडेंस करना पड़ा उस
गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कि चेंज ऑफ रेजिडेंस पहले भाई कहीं और था और बिकॉज उसका ऑफिस जो है वो 18 किलोमीटर दूर ट्रांसफर हो गया है, तो नाउ कंपल्सरीली उसको अपना रेजिडेंस चेंज करना पड़ा बिकॉज ऑफ ट्रांसफर, तो उसको सीटीजी मिलेगा ठीक है, अगर चेंज ऑफ रेजिडेंस इज एक्चुअली इन्वॉल्व। तो सीटीजी कितना मिलेगा उनको, मिलेगा 1/3 ऑफ सीटीजी ठीक है। तो 1/3 ऑफ सीटीजी का क्या मतलब हुआ कि भाई उनका सेम सिटी में ट्रांसफर हो रहा है, मोर देन 20 किलोमीटर पे होता तो 80% ऑफ बेसिक पे मिलता, तो 80% ऑफ बेसिक पे इज एक्चुअली सीटीजी। इस सीटीजी का 1/3 मिलेगा, 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे विल बी एडमिसिबल ऑफ दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जहां पर की डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑफिस इज 18 किलोमीटर या फिर लेस देन 20 किलोमीटर। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों का ट्रांसफर हो रहा है ठीक है। इसके अंदर भी दो केसेस उन्होंने बनाए हैं, सपोज हस्बैंड और वाइफ इनका दोनों का ट्रांसफर होता है, इट टेक्स प्लेस विद इन 6 मंथ्स ठीक है। विद इन 6 मंथ्स यानी कि सपोज हस्बैंड का ट्रांसफर होता है जनवरी में और वाइफ का ट्रांसफर होता है मई में, तो विद इन 6 मंथ्स दोनों का ट्रांसफर हो गया ठीक है। बट आफ्टर 60 डेज, देखो हस्बैंड का ट्रांसफर जनवरी में हुआ बट वाइफ का ट्रांसफर जो है वो आफ्टर 60 डेज हुआ है, मोर देन 60 डेज। फाइन, तो 50% ऑफ द ट्रांसफर ग्रांट ऑन ट्रांसफर शैल बी अवेलेबल अलाउड टू द स्पाउस ट्रांसफर लेटर। यानी हस्बैंड को तो जो एडमिसिबल था सीटीजी या फिर जो भी सीटीजी की बात कर रहे हैं, खैर फिलहाल हम यहाँ पे तो कि हस्बैंड को सपोज 80% ऑफ बेसिक पे अलाउड था सीटीजी के लिए और वाइफ का ट्रांसफर विद इन 6 मंथ्स हुआ है बट 60 डेज के बाद हुआ है, तो वाइफ को 50% ऑफ सीटीजी एडमिसिबल होगा ठीक है। और ये सीटीजी अगेन इट विल बी 80% ऑफ बेसिक पे। हम यहाँ पे अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप की बात नहीं कर रहे, मैं नॉर्मल केसेस के अंदर बात कर रही हूँ ठीक है। ये हो गया केस वन। उसके बाद वो कह रहे हैं केस टू कि अगर हस्बैंड और वाइफ का दोनों का ही ट्रांसफर होता है और हस्बैंड का ट्रांसफर अगेन जनवरी में ही हुआ था और वाइफ का ट्रांसफर फरवरी में ही हो गया, यानी विद इन विद इन 60 डेज वाइफ का भी ट्रांसफर हो जाता है ठीक है, तो उस केस में हस्बैंड को तो पूरा पूरा मिलेगा ही वो 80% ऑफ बेसिक पे जो कि उनका सीटीजी होगा, वाइफ को कोई सीटीजी नहीं मिलेगा, तो नो सीटीजी। क्यों? क्योंकि उनका जो ट्रांसफर हुआ है वो विद इन 60 डेज हुआ है, तो नो ट्रांसफर ग्रांट शैल बी एडमिसिबल टू द स्पाउस ट्रांसफर लेटर इन केस बोथ द ट्रांसफर हैज ऑर्डर ऑर्डर्ड विद इन 60 डेज ठीक है। इसके अलावा तीसरा केस वही है कि अगर हस्बैंड और वाइफ का ट्रांसफर का जो गैप है वो मोर देन 6 मंथ्स रहता है तो दोनों को पूरा पूरा मिलेगा, जो बाकी की कंडीशन है वो एज इट इज रहेंगी ठीक है। ये सिर्फ केस जो दो हैं वो सिर्फ उन केसेस में है कि अगर जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो जाए स्पाउसेस का, और इसके अलावा बाकी के भी रूल्स जो है वो सब सेम ही रहेंगे कि अगर ओन रिक्वेस्ट पे ट्रांसफर है तो कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अंदर से, और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ट्रांसफर है तो सारा सीडीजी वगैरह सब मिलेगा ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स के लिए जो रिम्बर्समेंट है वो किस हिसाब से है, ये क्या एंटाइटलमेंट है, तो वो लेवल के हिसाब से है। आई गेस अब तक तो सबको याद भी हो गया होगा कि भाई लेवल 12 एंड अबव जो है वो तो डीएस एंड अबव होता है ना। तो डीएस एंड अबव को क्या एंटाइटलमेंट है, 6000 kg का गुड्स, 6000 kg का वो सामान वो ले जा सकते हैं बाय गुड्स ट्रेन, फोर व्हीलर वैगन। देखो ये फोर व्हीलर वैगन मैंने गूगल से इसको निकाला है कि इस तरीके की होती है, एंड वन डबल कंटेनर ठीक है। तो दिस इज डबल कंटेनर ट्रेन और ये सिंगल कंटेनर वाली ट्रेन है ठीक। तो डीएस एंड अबव को वन डबल कंटेनर अलाउड होता है, इन सब के बीच में स्लैश लगा हुआ है देखो, चाहे वो फोर व्हील वेगन में अपना सामान लेके जाओ चाहे गुड्स ट्रेन में लेके जाओ, बस कितना सामान लेके जाना है 6000 किलो का मैक्सिमम। नेक्स्ट है लेवल 6 to 11 यानी कि 4200 से यूएस तक का ग्रेड पे, 6600 यूएस लेवल तक का, तो उनको भी सब चीजें सेम अलाउड है, सिर्फ डबल कंटेनर के बदले सिंगल कंटेनर अलाउड है। फाइन, फिर आ जाते हैं लेवल फाइव। लेवल फाइव पे 3000 kg तक का सामान कंटेनर नहीं अलाउड है ठीक है। और फिर है फोर एंड बिलो के लिए, उसका भी आधा कर दो, 1500 किलो का सामान। अगर आप ट्रेन से जाते हो तो, या फिर स्टीमर से, अगर बाय रोड जाते हैं तो उसके लिए ये एंटाइटलमेंट है कि भाई अगर सपोज रोड से आप ट्रक से सामान लेके जा रहे हो तो आपको पर किलोमीटर 50 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा रिम्बर्समेंट। तो यानी कि लेवल सिक्स एंड अबव के लिए 50 किलोमीटर एंड अबव ही है ठीक है। लेवल सिक्स एंड अबव के लिए बाय रोड अगर अपने सामान का ट्रांसफर करना है
या ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए 50 किलोमीटर, 50 रुपीज़ पर किलोमीटर का एंटाइटलमेंट है। और उसके बाद आ जाते हैं लेवल फाइव पे, लेवल फाइव के लिए 25 रुपये किलोमीटर, इसका आधा, और लेवल फोर एंड बिलो के लिए उससे और भी कम, 10 रुपये, 15 रुपये पर किलोमीटर। नेक्स्ट है, देखो वही सेंटेंस फिर से कि 25% से डीए, 25% से सारे रेट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे अगर डीए 50% से ऊपर जाता है। आई गेस इसका पॉइंट का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। 50 किलोमीटर, 50 रुपीज़ पर किलोमीटर का पीछे रेट लिखा हुआ है, ठीक है। और सपोज इस टाइम डीए चल रहा है 30% का, सपोज तीन तीन चार चार परसेंट करके ये डीए जो पहुंच जाता है 51% पहुंच गया, यानी 50 से अबव हो गया, तो ये वाला जो रेट है 50 रुपीज़ का जो रेट है ये 25% से बढ़ जाएगा। तो 50 + 25% ऑफ 50, या फिर 50 का 1/4, ठीक है, यानी 12.5 रुपये से और बढ़ जाएगा ये रेट, तो ये हो जाएगा 62.5, इतना हो जाएगा फिर, फाइन। और इसके बाद द रेट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग इंटाइटल्ड वेट बाय स्टीमर विल बी इक्वल टू, अगर स्टीमर से आपको सामान लेके जाना पड़ रहा है, सपोज आइलैंड टेरिटरी पर आपका ट्रांसफर हुआ है, तो इन दैट केस शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो शिप्स को ऑपरेट करती हैं उसके जो प्रेस्क्राइब रेट्स हैं उसी रेट के हिसाब से आपको मिलेगा रिम्बर्समेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि ये जो क्लेम होगा रिम्बर्समेंट का, ये सिर्फ और सिर्फ तभी एडमिसिबल होगा जब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो एक्चुअल रिसीट या वाउचर प्रोड्यूस करे, और ये एक्चुअल रिसीट और वाउचर्स का जो प्रोडक्शन है दैट इज मैंडेटरी, चाहे आप चाहे उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो ट्रांसफर है वो अंडमान निकोबार में या फिर लक्षद्वीप में ही क्यों ना हुआ हो, ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट बाय रोड इज एज पर किलोमीटर बेसिस ओनली, यानी कि जैसा पीछे किलोमीटर में लिखा था कि 50 रुपये पर किलोमीटर, फिर 25 रुपये और फिर 15 रुपये पर किलोमीटर अलग अलग लेवल के हिसाब से, तो यू यही मिलेगा चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ सिटी, यानी चाहे एक्स सिटी है चाहे वाई सिटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इंटाइटलमेंट है वो सेम रहेगा, ठीक। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेयंस, लेवल सिक्स एंड अबव के लिए सबका सेम इंटाइटलमेंट है कि एक कार या फिर एक मोटरसाइकिल, ठीक है, और लगा हुआ बीच में, तो इन दोनों में से कोई एक चीज का जो ट्रांसपोर्ट होगा उसका रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है लेवल फाइव एंड बिलो के लिए, फाइव एंड बिलो को कार अलाउड नहीं है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड या बाइसिकल, इसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस, इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन का जो रिम्बर्समेंट होगा वो मिल जाएगा लेवल फाइव एंड बिलो के लिए, ठीक है। और लेवल सिक्स एंड अबव को कार या फिर मोटरसाइकिल या स्कूटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द जनरल कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ टी ऑन ट्रांसफर एज प्रिस्क्राइब्ड इन एसआर 116 विल हाउएवर कंटिन्यू टू एप्लीकेबल। नेक्स्ट पार्ट है इज एन एग्जर का टी एंटाइटलमेंट फॉर रिटायरिंग एम्प्लॉयज, रिटायरमेंट के बाद पर्सन अपने होम टाउन में जाके सेटल हो सकता है ऑफ कोर्स, है ना, तो उसके लिए भी उनको टीए का रिम्बर्समेंट होता है, तो टीए ऑन रिटायरमेंट के भी वही चार कंपोनेंट है, वही ट्रैवल एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट और पर्सनल इफेक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेयंस, सेम चार कंपोनेंट्स है। और उसके अंदर से पहले कंपोनेंट ये भी सेम है कि ट्रैवल एंटाइटलमेंट किस हिसाब से उनको रिम्बर्सिबल होंगे, तो सेम वही जो टूर के लिए उनका एंटाइटलमेंट है, चाहे एयर का एंटाइटलमेंट है जिस भी क्लास में, या ट्रेन का एंटाइटलमेंट है जोन सी भी क्लास में, तो वो सब उनको एप्लीकेबल रहेगा। इसके बाद वो बता रहे हैं जनरल कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड इन एसआर 147 विल हाउएवर कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल। मैं 147 बता देती हूँ क्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर एसआर 147 की बात की है कि इसकी जो जनरल कंडीशंस है वो दे विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल। तो एसआर 147 के लिए पहले एसआर 146 पढ़ना पड़ेगा, और 146 ये कहता है, इसका जिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो ट्रेवलिंग अलाउेंस फॉर जर्नी मेड आफ्टर रिटायरमेंट या डिसमिसल, रिटायरमेंट या डिसमिसल या फिर टर्मिनेशन ऑफ सच सर्विस के बाद अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कोई जर्नी परफॉर्म करता है अदरवाइज, कि कोई घूमने जा रहा है या एनी वेयर, तो उसके लिए दैट पर्सन विल नॉट बी एंटाइटल टू एनी ट्रैवलिंग अलाउंस, ये एस आर 146 कहता है, फाइन। और एस आर 147 ये कहता है जो बात यहाँ पर की हुई है, तो एस आर 147 में भी कह रहा है कि अगर इस पर्टिकुलर टाइप की जर्नी, यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट अगर किसी ने जर्नी की है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर उनको अलाउ करती है स्पेशल रीजन के लिए, तो उनको टीए जो है वो उस जर्नी के लिए भी मिल जाएगा। तो 147 के अंदर क्या है, एक्सेप्शनल केसेस हैं अंडर 146, ठीक है। तो ये वाले जो प्रोविजंस हैं ये दे कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल, ये पर्टिकुलर ओएम के लिए स्पेशली नहीं है,
तो ये अदरवाइज भी एप्लीकेबल रहेंगे ही। नेक्स्ट कंपोनेंट है सीटीजी, सेम है पूरा का पूरा कि सीटीजी किस हिसाब से मिलेगा। भाई सीटीजी 80% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे होगा, अगेन अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है तो, ठीक है। अगर किसी का ऑफिस कहीं पर है एंड देन आफ्टर रिटायरमेंट अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट डिसाइड करते हैं कि भाई 200 किलोमीटर दूर उनका होम टाउन है वहां पे जाके वो सेटल होंगे, तो उनको 80% ऑफ द सीटीजी 80% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे सीटीजी के तरीके से मिलेगा, ठीक है। और अगेन अगर कोई आइलैंड टेरिटरी में जाके सेटल होते हैं तो वही 100%, सेम हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर अगेन बेसिक पे के अंदर एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस या फिर मिलिट्री सर्विस पे ये सब इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। देन द ट्रांसफर इंसिडेंसेस, रोड माइलेज फॉर जर्नी बिटवीन रेजिडेंस एंड रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर वो जा रहे हैं उसके अंदर कहाँ से कहाँ उन्होंने कौन से मोड ऑफ ट्रैवल से ट्रांसफर किया, उसे कोई ट्रांसपोर्ट किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी सीटीजी के अंदर इट इज अ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, तो उसमें अलग अलग कुछ नहीं है, वो एक लमसम अमाउंट मिल रहा है 80% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ये डिसाइड करते हैं कि वो सेम ही स्टेशन पर सेटल होंगे, यानी यहीं पर उनका ऑफिस है इसी स्टेशन पर और इसी स्टेशन पर उनको सेटल होना है, बट आफ्टर रिटायरमेंट वो अपना घर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक्चुअल चेंज ऑफ रेजिडेंस है, विद इन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है, बट एक्चुअल चेंज ऑफ रेजिडेंस जो है वो इन्वॉल्व है, तो उनको अगेन 1/3 ऑफ सीटीजी मिलेगा। मैं फिर बता रही हूँ 1/3 ऑफ सीटीजी का मतलब है कि 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे, दिस इज एक्चुअली सीटीजी। और इसका भी 1/3 मिलेगा कब, जब रेजिडेंस जब चेंज ऑफ रेजिडेंस 20 किलोमीटर से कम का हुआ है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है टीए ऑन रिटायरमेंट का, वही वाला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज पैरा 3.3 अबव, और ये पैरा 3.3 में जो है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम पढ़ चुके हैं कि कौन से लेवल को कितना केजी का गुड्स अलाउड है, और अगर वो बाय रोड ट्रैवल करते हैं तो उनको कितना पर किलोमीटर रुपीज अलाउड है, ठीक है। लास्ट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेयंस, और इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पैरा 3.4 में, दिस इज पैरा 3.4, मैंने फिर से पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और इसके अंदर वही है सेम, लेवल 6 एंड अबव के लिए एक मोटर कार या फिर एक मोटरसाइकिल को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा रिम्बर्स होगा, और लेवल 5 एंड बिलो को एक मोटर कोई भी टू व्हीलर, ठीक है, मोटरसाइकिल स्कूटर मोपेड या बाइक बाइसिकल। एनीवे बाकी सारी चीजें सेम है। फाइनली इस पूरे ओएम को हमने बहुत माइन्यूटली पढ़ लिया है, आई गेस टीए के ऊपर काफी अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके एमसीक्यू या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे टीए के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।